Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama gup on Tuesday morning. अब तक जब तक पहुंचेगा तब तक ट्यूसडे नाइट हो जाएगी. शाजिया क्या हाल है आपके? और आज मुझे लग रहा है कलर कुछ बालों का चेंज हुआ है या कुछ फ्रेशनेस नजर आ रही है मुझे. अच्छा, और मैं ये भी बता दूं, उससे पहले मैंने राबिया से कहा था, शाजिया ने नहीं 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 शाजिया ने कहा इससे पहले कि राबिया बाद में मेरी लगाएगी, मैं खुद ही अपने आप को वो कर देती हूँ. तो जस्ट बिफोर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग शाजिया का मैंने बाल ब्लो ड्राई भी किए, कलर भी किए, तो तुम थोड़ा सा मेंशन कर देना. तो मैं ये बोल के ना अब अगला जुमला मेरा होना था कि देखिए जब फर्स्ट तारीफ की जाए, जब फर्स्ट कॉमेंट की जाए तो ऐसे कॉमेंट्स निकलते हैं. क्या 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 नो नो नो, पहले वाले को अस्सलाम. मैंने कहा था तुमने तारीफ नहीं की, मैंने ये नहीं कहा था मेंशन कर देना ड्रामा कप में. मैंने कहा था देखो, मैंने सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के अपने बाल कलर करी थी, तारीफ मैं नहीं अपना बोला प्लांट था, आ ये देती बोला गया थी. था राबिया जरा मेंशन कर देना. मतलब क्या बोला था, तारीफ बोली थी मैंने ये नहीं कहा था कि ड्रामा कप में मतलब मेंशन करना, मैंने कहा ने था बीच तुमने की राह नोटिस निकाली, किया कुछ मतलब बता. ने बीच की राह निकाली और उनका मैं सुन नहीं पाया. हालांकि ये इस वक्त लाउड स्पीकर बट स्पीकर पे शाजिया को सब सुन सकते हैं, बट मनसब नहीं सुन पाए. ओके जी चलिए. तो हाँ शाजिया आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक एज इंस्ट्रक्टेड आई एम यू मेंशनिंग. बहुत शुक्रिया. और आपका ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू अच्छा थैंक यू जी. लग रहा है कौन अच्छा. और सी वो पिंक फ्लावर्स जो है वो मैच कर रहे हैं आपके ब्लाउज के साथ. वो फ्लावर्स कहाँ से आए हैं? वैसे पहले तो नहीं होते थे. मोमबत्ती. तो अब आ गए हैं ना, मतलब अच्छा मोमबत्ती भी है. ओके, हाँ. आई वॉन्टेड टू क्विकली बिफोर वी बिगेन से कि बहुत अच्छी न्यूज कल मैं पढ़ रही थी. आई वॉन्टेड टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. और लिटिल बिट क्या, 2 मिनट ही बात करूंगी. फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू एंटर कराची यूनिवर्सिटी फॉर एन एम फिल प्रोग्राम इज मिस निशा राव राबिया. शी ऑल्सो हेड्स द ट्रांस प्राइड सोसाइटी इन पाकिस्तान. आई होप आई एम करेक्ट. उनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है. हमने एक आर्टिकल भी निकाला है उनके ऊपर, कल पब्लिश किया था एंड वी ट्वीटेड इट एंड लॉट्स people have. I read about her in Dawn first. कुछ कुछ मुझे याद आ रहा था राबिया. वो when she was 18 तो वो लाहौर से कराची आ गई थी. She left her home. उनको acceptance नहीं हो रहा था. She didn't feel included and it was very hard for her. वहां जब वो पहुंची, she wanted to make something of her life. लेकिन लोगों ने कहा, उनकी अपनी community से लोगों ने, कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम बस you just start begging. और कुछ नहीं हो तो you have to resort to sex work, which most transgenders probably do. Okay? उनको अपनी ही community से ये advice मिला. She did beg on the streets, but she did it to earn money. उन्होंने पैसे कमाए ताकि वो law program में अपने आप को दाखिल कर सके. She enrolled in law classes and now she is actually at the bar. She is a lawyer. उनका progress चल रहा है आगे and she has enrolled in the MPhil program. और Karachi Vice Chancellor से भी बड़ी अच्छी एक post निकली थी about encouraging people like her. Very inspirational story for all of us who feel कि हम कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल किताबों की कहानी है राबिया, तो I thought we must mention it. नहीं शाजिया ये बड़ी अच्छी बात है. आई होप कि इस तरह और दरवाजे खुले और लोगों के लिए, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड यू नो कम्युनिटीज के लिए जो जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं. अच्छा आई हैव द कमेंट्स विद मी. हम कमेंट्स से स्टार्ट Yeah. करें. अच्छा सबसे You पहला want to talk about Humpty Dumpty drama in the end? हाँ मे बी पहले हम कमेंट्स कर Okay. लेते हैं. Okay. Our हाँ drama gap is incomplete without Rabia saying, नहीं नहीं पहले तुम बोलो. It is compulsory. I just love it. Thank you so much. कि इतना Who didn't give खूबसूरत. the name of the person who said it? अनवार ने ये, अनवार साहब ने ये मेंशन किया है. Okay. ठीक है शुक्रिया बहुत बहुत. ये मैं जानबूझ के नहीं बोलती, आदत सी हो गई अब तो. फिर जहरा जहरा रेजा बोल रही हैं, आखिर कब तक. ब्रिलियंट एपिसोड यार, आई थरली एंजॉयड एवरी सेकंड ऑफ इट. राबिया आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड्स प्रोमो नूर विल कन्फ्रंट इंस्पेक्टर नादिर एज शी नोज दैट हर ऑर्डर्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ नासिर एंड नॉट हर हार्ड वर्क. सो आई एम नॉट कंसर्न दैट दे लेट इंस्पेक्टर नासिर गेट अवे विद इट. ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द एक्टर्स एंड द अमेजिंग डायरेक्टर. या थैंक यू जारा, यू आर राइट. अब हम रिव्यू में अभी जाके आगे बात करेंगे. बट मेरे मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यूज है इस चीज के बारे में जो आई थिंक मैं रिव्यू के लिए करती हूँ. बट आई एम ग्लैड कि आपने नोटिस किया और आपने ये मेंशन किया है और बाकी लोग भी ये सोच रहे हैं मेरी तरह. कुछ लोग एटलीस्ट सोच रहे हैं कि इंस्पेक्टर नासिर जो कर रहे हैं उसको हम, वी कांट लेट हिम बिकम अ हीरो विद ऑल दिस करप्शन. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आगे जाके राइटर जो है वो स्क्रिप्ट में इस चीज को कैसे डील करेंगे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. शाजी आपने कुछ कहना है? नूर फिट करेगी, मैं पहले से कह रही हूँ.
हाँ दबंग दबंग स्टाइल, दबंग स्टाइल. ओके, साइमा मलिक कह रही है आई एग्री विद राबिया, अगर सफवान को दुख भी हो तो हमें क्या, हमारा मेन प्रॉब्लम तो असवद महरीन और मशल है ना. आई जस्ट लव द वे शी इज रिटन इट एंड द वे शी, आई मीन जब मैं पढ़ भी रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, लाइक शी सेड हमें तो हमें क्या. आई थिंक ये पिछले पिछले ड्रामा रिव्यू में शायद ये बात हुई थी और मैंने तुमसे बोला था कि भाई इन द एंड जब शादिया कंटिन्यूड अबाउट सफवान, तो मैंने कहा भाई वो कोलैटरल डैमेज है, निकालो, हम वी आर फोकस्ड ऑन द थ्री कैरेक्टर्स, हमें नहीं है. और मैंने कहा था कि बड़ा सख्त, बड़ी सख्त दिली है आप दिखा रही हैं सफान की के सामने, और अब हमारे फॉलोअर्स भी वही दिखा रहे हैं, तो और आप क्या जो भाई. दिखा, नहीं हाँ मतलब वो तो भाई हर कैरेक्टर का एक मकसद है ना, वो उनका मकसद पूरा हो रहा है, अब ये थोड़ी हम उनके लिए सिंपथीज फील करें, वी हैव अदर पीपल टू फील सिंपथी फॉर, सो हमें क्या, सानू की. अच्छा जी, फिर चलो अगला अगला है मलीहा आफरीन कह रही हैं, इफ एमन इज लोनली इन पाकिस्तान तो इबाद भी तो बाहर है अकेला, इस बारे में आप क्या कहेंगी. तो इसका जवाब वैसे तो ड्रामे में एमन ने खुद दे दिया है, बट शाजी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि एमन ने ये शिकवा किया, सॉरी इबाद ने ये शिकवा किया एमन से इस बार की किस्त में, फोन पे बोला तो एमन ने उसको जवाब दे दिया है, तो आप कुछ कहना ईमान ने चाहेंगी. कहा कि भाई मैं तो तुमसे नहीं कह रही कि तुम अकेली अकेले रहो वहां, तुम तो आ सकते हो, मैं तो अपनी मतलब मर्जी के खिलाफ रह रही हूँ अकेली, या तो तुम मुझे वहां बुलाओ या तो मुझे यहाँ बुलाओ. नहीं नॉट रियली, क्योंकि ईमान के पास एक बच्चा भी है, और जब आप एक पेरेंट बन जाते हैं ना, एक माँ बन जाते हैं, और आप उस बच्चे का ख्याल, और मैं एक्चुअली ये वालिद पे भी कहूंगी, अगर कोई वालिद भी अकेला ख्याल रख रहा होता बच्चे का तो शायद वो भी यही सोचते, तो यू वॉन्ट दी अदर पेरेंट देयर. और आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी तरह दिखाया जब वो स्कूल में गए थी एंड शी सेड के वहां सारे पेरेंट्स थे एक साथ एंड मैं अकेली गई, तो इट हिट्स यू. सो आई ऑल्सो फील के जो बात हम पहले भी कह रहे हैं कि एमन और इबाद की सिचुएशन ऐसी है वेयर इबाद कैन अफोर्ड नॉट टू गो अब्रॉड. मुझे भी हंसी आ रही है कुछ इबाद की हाँ बातें याद करके परदेश में, जो वो बिल्कुल ही फॉरेन रिटर्न हो गए, जब उनको मिट्टी भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है, और वो कह रहे हैं मेरा पेट क्या. मैंने कहा अरे भाई तुम यही पले बड़े थे, हेलो. बट बड़ा बड़े मजे का, आई रियली लाइक द वे दे हैव पोर्ट्रेड इबाद. अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रिप्ट कह रही हूँ, नेक्स्ट कमेंट है आसिया मंजूर कह रही है, आई थिंक कि साइम को फजर के घर जाना चाहिए था इंस्टेड कि वो उसे बाहर बुलाता, क्योंकि इससे चचा और चची को ये शो हो जाता कि साइम ने छोड़ा नहीं है फजर को, बल्कि वो रहने आई है अपनी माँ के घर, एंड ये भी कि साइम अपनी आंखों से बिसाम का बिहेवियर देख लेता एंड अपनी अम्मा को इन बेटर वे समझा सकता, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ. ट्रू, आई एग्री, साइम को जाना चाहिए था अंदर, आई टोटली अग्री. क्यों वो बाहर से बाहर हमेशा उसको ड्रॉप कर रहा है, पिक कर रहा है, समझ नहीं आ रहा. बल्कि ये तो एक नॉर्मल चीज है, फजर भी नहीं होती, कोई भी बीवी चाहती है कि आप अंदर आए, सलाम करें और फिर लेकर जाएं तो मुझे. आप और सो आशाजिया, आपके लिए और तमाम ऑडियंसेस के लिए जो ये कह रही हूँ ना, अगर अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो हमें इतनी जबरदस्त एपिसोड लास्ट वीक नहीं मिलती, क्योंकि साइम और फजर अगर अंदर होते और विसाम को देख लेते तो फिर जुवेरिया अब्बासी ने, जो सफिया ने लगाई है विसाम को, और जो विसाम को पकड़ा है, और जो आप सब लोग कह रहे थे वाह क्या मजा आ गया, वो आप लोग ये सब नहीं कर सकते. सो स्क्रिप्ट को वो चलने कर नहीं देना लेते ना, चाहिए. वो आगे पीछे दिखा देते कैसे उनको, चले अलग जाते, दिखा देते उनको, अलग नहीं वो दिखा मिस्ट्री देते. बिल्टअप नहीं हो सकती, वो मिस्ट्री ही बिल्ट अप नहीं हो सकती थी, और वो जो मजा है वो उसका. एंड आई डोंट थिंक साइम नीड्स टू सी इट विद हिज ओन आईज कि बिसाम क्या कर रहा है, टू एक्सप्लेन इट टू हिज मदर. ये तो स्क्रिप्ट, हाँ देखिए दैट इसमें इज ट्रू. हम ये बोल सकते हैं, बट वो एक स्क्रिप्ट एक तरीके से जा रहा है, कहानी एक चीज से चल रही है, उसका एक मकसद है, तो वो हम उसमें ज्यादा नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी. हाँ तो वो साइम अगर चाहे तो मेरा इस तो पर भी, मकसद ये नहीं है वो काम. साइम अगर चाहे तो सॉरी इस पर गो भी अपनी ऑन. माँ को बिठा के समझा सकता और बोल सकता है कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, बट वो उसको 100% नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहानी एक 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 वो एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना, आगे जाके कुछ होगा डेफिनेटली. तो मेरा मतलब ये नहीं था कि वो विसाम को देख लेता, वो तो सब सही है. मेरा सिर्फ ये मतलब था, आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, आप घर के अंदर जाएं, उसको छोड़ें और उसको जब पिक. बट यस यू आर राइट कि वो कहानी का मोड़ ऐसे था कि दे कुडंट शो कि ही वाज एंटरिंग द वो हाउस. सरप्राइज फैक्टर आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने फॉर अ सेकंड मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंसेस को कंफ्यूज किया जब वो लाइट बंद हुई और वो हुआ और सब कुछ, यू नो. राबिया एंड शाजिया, मोहम्मद रऊफ कह रहे हैं, राबिया एंड शाजिया आखिर कब तक में जवेरिया अब्बासी के सीन में आपने एक चीज मिस की है, जब जवेरिया चीखती है पीछे नूर की शॉकिंग शक्ल देखने वाली होती है. मैंने ये सीन दो बार देखा, एक बार जवेरिया का रिएक्शन देखने के लिए जो कि आउट क्लास था,
क्लैपिंग फॉर हर और दूसरी बार नूर का चेहरा देखने के लिए, अपनी माँ का ये रूप देखकर उसको जो हैरानगी हुई है वो भी देखने वाली है, क्योंकि सफिया को अपने और अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेने के लिए नूर ने ही पुश किया था, और नूर का रिएक्शन देखकर साफ लग रहा था कि अपनी माँ से इस तरह का चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप बोलना चाहेंगी शाजिया? Yes, I completely agree. शायद मैंने जवाब भी उनका दिया था कि we didn't mention that, क्योंकि वाकई जवेरिया के इतनी सारी चीजें हो रही थी उस कमरे में, there was so much going on, और जल्दी जल्दी डायलॉग्स भी डिलीवर हो रहे थे and a lot was happening. Noor was getting shocked. वो वहां उनके जो वो थे भाई जो थे शहूद अली के, वो और उनकी फैमिली, दे वर गेटिंग शॉक. जवेरिया को गुस्सा आ रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था. अम्मा शॉक. सो अ लॉट वाज गोइंग ऑन. एंड फजर वाज आल्सो नहीं, फजर डिड नॉट कम इन, इट वाज ओनली नूर हु केम इन. तो यस, जरूर आई एग्री. अच्छा, आई फील कि हमने स्लाइटली मेंशन किया था, मुझे याद पड़ता है फ्लीटिंगली हमने मेंशन किया था कि दुख की हालत तो नूर तो को तो यकीन है. मे बी आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, बट आई थिंक हमने मेंशन किया था. बट दूसरी बात ये होती है, देयर वर सो मेनी पॉइंट्स इन दैट एपिसोड टू डिस्कस. अगर हम हर पॉइंट को उठाते हैं, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिफेंडिंग माय सेल्फ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, प्लीज लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर कि हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत, मैं सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग कि इतनी चीजें थी कि अगर हम उस एपिसोड पे पूरी अपनी एक घंटे का ड्रामा का निकाल सकते थे. सो वी हैड टू पिक एंड चूज बिकॉज़ उस एपिसोड में कितनी चीजें हो रही थी, तो वो हमने हल्का सा मेंशन किया या मेंशन नहीं किया एंड वी मूव्ड ऑन. बट यस, आपकी बात बहुत सही है. और फॉर मी द टू मेन थिंग्स वर हाउ नूर रिएक्टेड, एंड वो भी एक देखने वाली चीज थी. सो दैट इज ऑल, आज यही कॉमेंट्स है. शुक्रिया बहुत बहुत कि आपको, मतलब मुझे काफी टाइम लगा बाय द वे ये कॉमेंट्स ढूंढने में, क्योंकि इतनी मजे की डिस्कशंस चल रही थी. एंड आप लोगों शुक्रिया अगेन बहुत बहुत जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, और मुझे शाबाशी मिली है कमेंट्स में. थैंक यू सो मच, मेरा दिल बड़ा खुश हो गया कि मुझे शाबाशी मिली, तो मैं और मोटिवेटेड हो गई हूँ कि मैं कमेंट्स और ढूंढ ढूंढ के निकालूं और हम इस पे कर सकें. आई एम ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस, में हर बार एक नेगेटिव या एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन वाला कॉमेंट नहीं उठा रही होती हूँ. आई एम ट्राइंग कि मैं ये वजह से मैंने उठा लिया कि आप लोगों को अच्छा लगा कि राबिया शाजो कहती है कि तुम पहले कहो इस तरह की, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल लाइट हार्टेड ऑल्सो दिस होल कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव विद यू गाइज. सो कॉमेंट्स जारी रखिए, हम पढ़ते रहेंगे. जी, कितने ड्रामे शाजी आज हमारे पास, मैं तो लिख रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ. खुदा मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, किस्सा मेहरबानों का, हम कहाँ के सच्चे थे, परदेस, एंड आखिर कब तक, राइट? जी, कोई भूली तो नहीं हूँ ना मैं. सिक्स है, राइट? नो, मेरे पास तो यही लिखे हैं, सिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, यस. और मैंने किस्सा मेहरबानों का नहीं देखा है. मैं उसको फॉलो अप करूंगी, तो यू कैन फिल अस इन ऑन दैट फर्स्ट, पहले वो ही कर लेते हैं ना. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद किस्सा मेहरबानों का. नहीं, मैं आपको फिल नहीं करूंगी शाजिया, वो सॉरी, वो व्यूअर्स बोर हो जाते हैं तो मैं आपको नहीं कर सकती. इफ आई थॉट कि अगर पहली एपिसोड मुझे मसला हो रहा था देखने का और मुश्किल लग रही थी, तो आई थिंक दूसरी एपिसोड उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल थी मेरे लिए देखना. मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि जावियार ने ये स्क्रिप्ट क्यों लिया है, बिकॉज उनका कैरेक्टर इतना गलत तरीके से, वो उस कैरेक्टर को ट्रीटमेंट हुई हुई है सारे कैरेक्टर्स की. एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, ड्रामा हद से ज्यादा मुझे लगा था खिंचा हुआ है. शादी का सीन बार बार दिखा रहे हैं, नूर को डांस करते हुए दिखा रहे हैं, जो एंड इट वाज सो क्लियर दैट नूर वाज अनकंफर्टेबल डूइंग दैट डांसिंग सीन. तो भाई आप क्यों दिखा रहे हैं, कभी नूर स्टेज के पीछे, कभी नूर वहां दो स्टेप्स कर रही है. इट वाज जस्ट सो नॉट कोऑर्डिनेटेड, इट वाजंट फन टू वॉच, कुछ समझ नहीं आ रही थी. और उसके बाद फिर मेहरान जो है वो मेहरबानों के पीछे पीछे उनके कमरे में चले जाते हैं, और फिर उनकी अम्मा आ जाती हैं और वो खूब मेहरबानों की बेइज्जती करती हैं, उनपे इल्जाम लगाती हैं कि तुमने तो मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, और मेहरान चुप हैं. आई मीन इट्स द अदर वे राउंड, इट्स मेहरान जो मेहरबानों के पीछे आया, मेहरान है जो मेहरबानों के पीछे पड़ा हुआ और अपनी मोहब्बत थोप रहा है, बट मेहरान ने कुछ नहीं कहा. एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड कि हाउ आर वी सपोज्ड, आई मीन हाउ एम आई सपोज्ड टू रिस्पेक्ट हिम एज अ हीरो, जब वो उस लड़की के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, अपनी माँ को तरीके से बता ही नहीं रहा कि भाई ये ऐसी कोई बात नहीं है, और कमरे तक अंदर क्यों घुसाए, तुम कैसे घुसाए, कैसे, मतलब यू नो, इट्स जस्ट सो, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से. सो इतनी टिपिकल वो जो साजिशें और वो टिपिकल इल्जाम तराशी और वो चीज हो रही थी, बट उसकी एग्जीक्यूशन इतनी ज्यादा मिस हैंडल्ड है कि उसको देखने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था. एंड यू वर जस्ट लाइक,
रियली हम ये देख रहे हैं, रियली हम ये देख रहे हैं. फिर बीच में वो जो नया कैरेक्टर है खुशहाल का, वो भी एंटर हुआ. वो मुझे समझ नहीं आई कि वो कहाँ से आया, उसका क्या लॉजिक है, उसकी क्या आगे, उनको कैसे कनेक्ट करें स्टोरी में. बस वो दिखाते हैं वो ख्वाब देख रहा है, उसके ऊपर वो जो उनके घर का, इस खान के घर का बंदा है, वो आगे पानी फेंकता है, वो उसको सुना के चला जाता है. बट देर वॉज नो कनेक्शन, देर वॉज नो सेटलिंग हिम इन विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन. सो इट्स कम्प्लीटली, द होल ड्रामा इज डिसजॉइंटेड, द सीन्स आर डिसजॉइंटेड. आपको नहीं समझ आ रही होती है कि किधर क्या हो रहा है. एकदम से आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, फिर सामने आ जाते हैं, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और आप सोचे अच्छा ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, इस कैरेक्टर का इस किस्त में पर्पस क्या है. यू नो एवरी कैरेक्टर जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका उस पूरी स्टोरी लाइन में, उस वक्त जो कहानी बढ़ रही है उस किस्त में, उसका भी तो उससे कोई ताल्लुक हो ना, या फिर वो एक अलहदा स्टोरी चल रही हो. इन दोनों में से कोई भी चीज उस पर नहीं हो रही थी. तो मुझे तो बहुत, एक्चुअली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी सेकेंड एपिसोड देख के. और फिर अगेन शाजिया मेहरान मेहरबानों को बोलता है कि तुम्हें इवेंचुअली मेरी मोहब्बत कबूल करनी ही पड़ेगी, आदि हो समथिंग लाइक दैट. मुझे एग्जैक्ट डायलॉग्स याद नहीं है ना. लाइक आजकल के जमाने में जहां हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, जहां हम लड़कियों के राइट्स की बात कर रहे हैं, आप एक ड्रामा लेकर आ रहे हैं जिसमें हीरो लड़की को काइंड ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ये सब चीजें थी. तो फॉर मी इट वॉज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड. फिर मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है कि मेहरबानों को इतना रोबोटिकली वो काम किए जा रही है. 10 साल हो गए हैं यार, वी वांट टू सी सम रिएक्शन फ्रॉम हर, वी वांट टू सी सम सॉर्ट ऑफ. किसी ने कमेंट्स में लिखा, जब हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकाली या कुछ लिखा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो इतने अरसे से दुख सह रही है कि वो उस पे दुख का असर होना बंद हो गया है. वो बिल्कुल उसका उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज शी इज गॉन थ्रू सो मच. तुम्हारा क्या ख्याल है शाजिया, व्हाट वुड यू से टू दैट? आई थिंक कि ऐसा नहीं है. अगर वो दिखा रहा है अपना फीलिंग्स दिखा रहा है तो उसको असर होना चाहिए. एंड मुझे एक्चुअली राबिया, दिस इज व्हाई आई डिडंट वॉच द सेकंड एपिसोड, नॉट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, बट क्योंकि मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई थी. थर्ड एपिसोड था ये, मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई थी और इट वॉज नॉट गोइंग टू बी समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं देखूँ, क्योंकि इफ एनी थिंग मैं मावरा की वजह से देख रही थी. मावरा के कैरेक्टर को इतना उन्होंने परफेक्ट बना दिया है कि वो अनरिलेटेबल हो गया है. परफेक्ट नहीं है, सॉरी मैंने पहले भी बोला था, इट्स नॉट परफेक्ट. गुडी 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 बना दिया है. नो शी इज नॉट गुडी गुडी, शी इज जस्ट अ रोबोट, आई एम सॉरी. नहीं उसके या अंदर शी इज, ये देखो अब जुबैदा भी थी ना परदेश में, बट जुबैदा के कैरेक्टर में कुछ था, वो भी अच्छा दिखा. आई वाज कंपेयरिंग लास्ट नाइट व्हेन आई वाज वाचिंग परदेश, और मैंने कहा इसलिए मुझसे नहीं देखा जा रहा किस्सा मेहरबानों का. एक मेन कैरेक्टर जो है जिसपे सब कुछ, जिनके कंधों पे सब कुछ फॉल करता है, उन्हीं का कैरेक्टर जब सही नहीं दिखा रहे तो फिर मैं कैसे देखूं? एंड टू योर, माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज जस्ट दैट नहीं, तो कंप्लीटली. अगर अगर दुख है तो फिर दुख दिखाएं. वो तो बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ काम कर रही है, वो कुछ हाँ, बोलती क्यों नहीं. हाउ कैन सम, या अच्छा ठीक है, फिर अगर ये है तो फिर अब and तीसरी going किस्त through आने वाली so है. much भी हमें नजर नहीं आ रहा that नहीं the आ रहा है, character has gone नहीं आ through रहा है, so जस्टिफाइड much. नहीं है ना, जस्टिफाइड नहीं है. तो आप फिर क्या, तो जस्टिफिकेशन शुरू से ही डालते ताकि समझ आती. अगर आप व्यूअर्स को पकड़ना चाहते हैं, यू डोंट वांट द व्यूज टू फॉल, यू वांट व्यूअर्स टू कीप वॉचिंग इट, तो फिर आप पकड़े ना कहानी को शुरू से. आप कहानी को शुरू से पकड़ेंगे, हम सबको चिड़चिड़ी, हम सबको समझ नहीं आ रही कि मेहरबानों, और वो भी आजकल के जमाने में ना, वो तो रोती भी नहीं है मेहरबानों. उसकी कहीं स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, उसकी कहीं दुख नजर नहीं आ रहा. शीज फॉर मी शीज जस्ट अ रोबोट. वो पूरे घर पे काम. डोमैट. एंड हाउ डू यू, फॉर मी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू लिव योर लाइफ कि सुबह उठे आप पूरे, बस अब 10 साल से आप याद कर रहे हैं कि आपने पूरे घर की सफाई करनी है, आपने खाना देना है, आपने ये करना है, आपने कुछ करना है चुप करके. फॉर मी इट्स वेरी अननेचुरल, नॉर्मल नहीं और वो है. अब्बा भी इतने नेगेटिव हैं उसके साथ, मतलब या तो फिर उन्हीं का प्यार होता, तीनों मिल बैठ के, तीनों कैरेक्टर्स अपने अलग चल रहे हैं. नूर और हाँ मेहरबानों का कनेक्शन है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तीन ही लोग हैं घर में और वो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं. हाँ सो दैट वाज देयर, यस. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से व्हिच आई कांट रिमेम्बर, बट या अच्छा, आप अनफॉर्चूनेट. हाँ, मैं ये कह रही थी जो राबिया तुमने ही कहा था कि पहली 5 किस्तें दिखानी चाहिए एक सैंपल ऑडियंस को, क्योंकि अब हमारा क्रिटिसाइज करना भी कुछ बनता नहीं है ना, क्योंकि अब तो हो गया है जो होना था. सो दिस शुड नहीं, फॉर अदर हैपेंड पीपल बिफोर. नहीं बनता है बिल्कुल, ताकि जो लोग ऐसे और स्क्रिप्ट्स पे हाँ काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो सुने और वो करें कि भाई दे हैव टू बी केयरफुल यस, अबाउट बट ये लोग नहीं इट. इम्प्रूव कर सकते, या पता नहीं आगे इम्प्रूव होगा नहीं कि आगे नहीं, तो हमें बहुत नहीं मुश्किल है, बिकॉज वो तो शूट हो पता. चुका होगा आई एम श्योर अब तक. अच्छा वो सर तो ये हुआ देखते है हैं कि ऐसिम हम. खान अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, उनका जो मुराद का कैरेक्टर है, ही सो बेसिकली सिर्फ ये चीज एस्टेब्लिश हुई कि ही नीड्स मनी, उसको पैसे चाहिए, और उसके दोस्त उसको बोल रहे हैं किसी तरीके से कि अच्छा वो, सो
सिर्फ ये मूवमेंट हुई है कि कहानी उस तरफ गई है कि वो क्लियर हो गया कि उसको पैसे चाहिए और वो किसी तरीके से मेहरबानों के थ्रू ही आएंगे पैसे. बस वो घर है, इट इज अ हाउस. हाँ, आई थिंक एक स्वीट मोमेंट वो आया था जब फ्लैशबैक में वो दिखाते हैं कि उसका निकाह हो गया है मुराद के साथ, और फिर मुराद उससे कमरे में मिलने आता है और मुराद उसको बोलता है कि इतनी जल्दी हमारी बात हुई, हमारे तो अभी वो बोल ही रहा होता है तो उसके भतीजे भतीजी आ जाते हैं मेहरबानों के, वो उससे बात करने लगते हैं. सो दैट वाज अ क्यूट स्वीट मोमेंट दैट केम ड्यूरिंग द प्ले. अच्छा, इस सारे में कहीं भी मेहरबानों की कोई बहन नहीं दिखाई, कुछ नहीं. सो बिकॉज नूर उसको खाला कहती है, सो वी डोंट नो कि वो बहन कहाँ है, कैसी है, हाँ. भतीजा भतीजी कहाँ है, वो उनका क्या हुआ है. सो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजंस एंड मिस्ट्रीज. और भाई वापस नहीं आए हैं. भाई तो वापस नहीं आया है अभी, अभी तक भाई तो ओके वापस नहीं ठीक आए. अच्छा, फिर उन्होंने ये दिखाया राबिया, कि आपने अभी, मुझे फीलिंग कर दिया है पूरा. अच्छा ये भी दिखाया, देखो फर्स्ट किस, ये हाँ. थर्ड किस था, सेकंड किस था, मैं तो भूल ही गई हूँ. मतलब इससे थर्ड पहली किस्त में दिखाया था कि मेहरबानों के वो तलाक देता है, मेहरबानों शादी वाले कपड़ों में नीचे आती है और भाई जो है वो बहन को, भाभी को तलाक दे देता है. ठीक है, अब आपने वो सीन पहले दिखा दिया, ये सीन अब आप बाद में दिखा रहे हैं जिसमें निकाह हो रहा है. मे बी आई एम बीइंग अनरीजनेबल एंड अनजस्टिफाइड, टू मी इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि पहले दिखाते कि उसका निकाह हो गया, फिर हम क्यूरोसिटी रहती कि अच्छा क्या हुआ, हमें भाई पता चल गया कि वो शादी हो गई थी, निकाह उसका हुआ हुआ है और उन्होंने उस दिन तलाक दे दी. तो अब ये शादी का सीन दिखाना, फॉर मी दे शुड हैव शोन इट इन द नेक्स्ट, इन द प्रीवियस वन, और बिकॉज उस इसमें वक्त ये लग रहा था कि वो तैयार हो रही है जाने के लिए, ये हाँ नहीं पता चल रहा हाँ था कि नहीं, निकाह एंड हुआ आप है. टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीन्स वेस्ट कर रहे हैं, अब व्यूअर्स का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि उसकी शादी हो चुकी है ना, एंड वी नो कि वो हाँ दस, ये दो तीन दफा बात हो चुकी है, यस 10 साल से यस मैरिड है एंड या मुराद के नाम पे बैठी हुई है एंड ऑल दैट. तो फिर आप फ्लैशबैक में पहले दिखाते कि उसकी शादी हुई है, वो अच्छा नहीं लगता. आप तो आर यू हम सेइंग दैट इन किस्सा मेहरबानों का इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स और द मेजर प्रॉब्लम, या कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑल भी ऑफ इट, प्रॉब्लम चल रही है, ऑल ऑफ इट, और थ्री ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ उनमें इट. से दो चीजें भी अगर वो सही कर लें तो थोड़ा और सही हो फिर जाए. देखें, अब मैं आपको एक बात, दो बातें बताऊं. आज अब जमाना बहुत कंपेटिटिव हो गया है, एंड आई थिंक आई एम, मे बी मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ और लोग मुझे बैश करें और लोगों को शायद अच्छी नहीं लगे, लेकिन अब आई एम रियली सॉरी, अब नहीं हो सकता कि आप स्क्रिप्ट में देखें, आपके पास फजर का, नूर का कैरेक्टर है, आपके पास फजर का कैरेक्टर है जिसमें डेवलप, जिसकी एक आर्क बिल्ड हुई, आपके पास महरीन का कैरेक्टर है, आपके पास एमन का कैरेक्टर है, आपके पास इतने, आपके पास लापता में फलक का कैरेक्टर है, आपके पास लॉन्ग सीरीज विच आई कॉल सोप, रंग महल में महापारा का कैरेक्टर है विच इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. यू कैन नॉट ब्रिंग अ कैरेक्टर लाइक मेहरबानो नाउ एंड एक्सेप्ट के ऑडियंस विल बी ओके. नहीं, अब टाइम चेंज हो रहा है, अब चीजें चेंज हो रही है. अगर आपने मेहरबानो जैसा कैरेक्टर लाना है तो फिर कोई जस्टिफिकेशन लाए, कुछ उसकी, उसके आसपास की चीजों को, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए. जो मैं हम कहा के सच्चे तो मैं बात करती हूँ कि हाउ आई फाइंड इट टू बी अ वेरी वेरी टिपिकल साजिशी कहानी, बट उसकी ट्रीटमेंट ने उसको कितना अच्छा बना दिया है. ठीक है, सो वील टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस, देयर इज नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स विद दिस, विद दिस दिस ड्रामा. सो और आर इफ यू वॉचिंग इट नेक्स्ट वीक? या आई विल वॉच इट, आई विल वॉच इट फॉर अनदर फ्यू एपिसोड्स, एंड फिर अगर मेरा पेशेंस जवाब दे गया तो मैं नहीं करूंगी. ठीक है. या ओके ओके, गोइंग ऑन नेक्स्ट टू द ड्रामा लेट्स डू पहली सी मोहब्बत. या पहली सी मोहब्बत. आई रियली लव, मैंने आई थिंक पहले भी बोला था, शरिया मुनव्वर लुक सो नाइस, सो हैंडसम विद हिज न्यू लुक ग्लासेस, एंड यू नो वो एक दुख जो आ गया है असलम का, वो जो मेच्योरिटी, दुख की मेच्योरिटी, मेच्योर दुख, मेच्योर दुखी असलम, आई एम जस्ट लविंग हिम. चल राबिया ने चीज कर दिया. डिड यू फील अ लिटिल बिट के जैनब की झलक आई या नहीं? किसमें, जैनब, व्हाट जैनब किसमें, वाज गोइंग थ्रू, डिड किसमें, यू फील असलम, डिड यू नो, फील असलम वाज गोइंग थ्रू व्हाट जैनब हैड बीन थ्रू? जब वो घर पे जाता है और वो, उसको घर पे जाना पसंद नहीं होता, एंड ही डजंट लाइक टू गो होम. जिस तरह जैनब को भी वो बार बार बुलाते थे, वो आती नहीं थी घर पे नहीं जैनब क्योंकि इसलिए नहीं उसको वो आती, सब. नहीं जैनब इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उसको अपने भाई की कड़वी बातें नहीं सुननी थी. जैनब डिडंट वांट टू फेस, जैनब वाज नाराज विद हिज फैमिली, विद हर फैमिली, जैनब नहीं इसलिए बट आती. राबिया, जैनब यूज्ड टू गो इनटू, वो तो वो भी था, जैनब यूज्ड टू गो इनटू एवरी रूम, एंड उसको फ्लैशबैक्स तभी आए थे कि मेरे साथ ये हुआ था, और बराबर वाला घर भी फिर अंदर वो का एक ही था, दफा आया सो था, दैट कनेक्शन वो एक ही वाज दफा आया था, सेम. वो एक ही दफा आया था, एंड दैट वाज टू टेल अस द स्टोरी. इट वाज अ वेरी एस्थेटिकली डन वे, इट वाज अ स्टोरी टेलिंग. आई डोंट थिंक ऑफ मेरा नहीं था. कोर्स आप लोग जवाब हाँ. में बात कर सकते हैं. मुझे ये लगा कि जिस तरह असलम भाग रहा है घर से उसी तरह, बट
असलम का जरा पॉजिटिव है, असलम का बिल्कुल हेल्पलेस रोल नहीं है कि मैं तो मैंने बस बेजार हो गया हूँ एंड आई हैव गिवन अप, लेकिन असलम का ये रोल है कि ही वांट्स टू. अच्छा जी बुशरा, बुशरा अभी तो बड़ी प्यार से कह रही है कि तुम गोद में सर रखो और तुम याद कर सकते हो, रोने की जरूरत नहीं है, आगे क्या करेंगी? कुछ नहीं करेगी. आई डोंट थिंक असलम कभी भी उसे बेवफाई करेगा. आई वुड गिव दिस मच क्रेडिट टू असलम. सो वो भी बुशरा भी कॉन्फिडेंट है, इसीलिए बुशरा कह रही है उसको उसको. सो द थिंग इज बुशरा के पास असलम की वो मोहब्बत नहीं है जो असलम की मोहब्बत रक्षी के लिए है, लेकिन बुशरा के पास असलम की वफादारी और असलम का ट्रस्ट और असलम की एक स्पेशल काइंड ऑफ अटैचमेंट और मोहब्बत कह सकते हैं वो है. एंड बुशरा इज ओके विद इट, बुशरा ने एक्सेप्ट कर लिया है. तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा को कोई और असलम करेगा भी नहीं और रक्षी भी नहीं करेगी. रियल टेस्ट तो अब आएगा. हाँ करेगी तो नहीं ये तो हमें पता है, लेकिन अब उन्होंने दिखाया है तो कुछ तो होगा. सो माई थिंग इज दैट नो, सो माई थिंग इज दैट कि कहानी क्या ऐसा होगी कि असलम और रक्षी की इवेंचुअली हैप्पी एंडिंग होगी कि दोनों के रक्षी का मियाँ और असलम की बीवी को साइडलाइन कर देंगे, मरवर जाएंगे या जो कुछ भी होगा, मर ही जाएंगे बेचारे, यही पॉसिबल हो सकता है, ये होगा या फिर वो तो मर गए हैं ना, ही इज गॉन, रक्षी का मियाँ इज गॉन प्रोमो, बिकॉज़ शी सेज मैं सदा की अब्बा की बेवा हूँ. मैंने प्रोमो में नहीं देखा, तो अगर ये हो गया है तो यस देन पॉसिबिलिटी है कि बुशरा भी लुढ़क जाए, अल्लाह माफ करे, सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, और फिर हैप्पी एंडिंग जो है वो रक्षी और असलम के दरमियान ही हो. लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज़ आई वुडंट वांट कि बुशरा लुढ़क जाए, वो तो बड़ा इजी तरीका होगा खत्म करने का ड्रामा, सो आई वुडंट वांट टू. नहीं तो दूसरी शादी तो मुझे नहीं असलम की है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है दूसरी शादी असलम की, दैट्स द ओनली अदर वे. मुझे ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने उनको लुढ़का दिया, क्योंकि आई फील कि वो तो कहानी, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम फाइज़ा इफ्तिखार एंड आई थिंक शी कैन गिव मोर देन दैट. इसमें क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट? नहीं मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाट शी इज गोइंग टू टेल अस. मुझे नहीं पता क्या हो सकता है. देयर टू देयर थ्री वेज, ईदर रक्षी और असलम जहां जाएं अपनी अपनी सिचुएशंस में खुशी खुशी रहें, विच मींस कि उनका मिलाप नहीं होगा. दूसरी सिचुएशन ये है कि बुशरा को आप लुढ़का दें और रक्षी जो है असलम से शादी कर ले, असलम रक्षी से शादी कर ले. थर्ड सिचुएशन ये है कि असलम दूसरी शादी कर ले बुशरा को जिंदा रखते हुए. दीज आर द ओनली थ्री सिचुएशन दैट आर पॉसिबल. इसके अलावा कोई तीसरी सेकंड सिचुएशन के दोनों अलग अलग हंसी खुशी नहीं रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे, यही होगा. या एग्जैक्टली, व्हिच इज ओके, व्हिच इज व्हाट नरगिस इज डूइंग, बिकॉज़ यू सी फैज़ इफ्तिखार इज ब्रिंगिंग इट बैक. नरगिस के पास भी एक चॉइस थी, लेकिन नरगिस का मियां जिंदा था, लेकिन इसके साथ सदफ है अभी, और नरगिस सेड शी विल नॉट डू इट. So anyway, let's see कि क्या होता है. I love Nargis. Again, for me, she ruled the episode. Again. Despite the fact कि मैं कह रही हूँ कि बहुत खेचा हुआ है ड्रामा राबिया, I just loved, मुझे वो जो बेटा और बेटी वाला जो उसका बच्चे वाला जो था उसके दिमाग में, it is so relatable के, and especially someone जो उसकी, और मैंने कहा हाँ मैंने ये क्यों नहीं सोचा, नरगिस ये सोच रही थी जब से, वो चुप थी, उसके दिमाग में क्या घूम रहा था, ये घूम रहा था उसके दिमाग में कि मैं कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ बच्चे, बेटा होगा तो ये होगा और बेटी होगी तो ये होगा. वेरी स्केरी एंड वेरी ट्रू. बोथ टाइम्स नरगिस ने जब फैजुला से बात की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, और जब नरगिस ने रक्षी से बात की तब भी, दे वर बोथ लवली कॉन्वर्सेशंस एंड राबिया बट वाज अमेजिंग एंड delivering those conversations. But actually, आपको मजा आ रहा था सुनने का, वही होता है, वो इतनी खूबसूरत तरीके से बोलती हैं कि आपका आपको अच्छा लगता है सुनना, इतने poetic तरीके से वो बोलती हैं ना. हाँ, उनके dialogues भी, and राबिया देखो वो, it's like रक्षी को ऐसा दिखाया है कि she is dreamy और वो she wants to stay in that world, और नरगिस जो है वो बिल्कुल up front, उसको जो है ना आईना देखना है, उसको समझ है, सिखा तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें जैनब नजर आ रही है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा खिसक गई हो, क्योंकि लोगों को अगर इस तरह नजर आने लगी, एंड यू वॉन्ट टू लिव योर, एंड बट देन दे शोड रक्षीज बैकग्राउंड के, बिकॉज उसकी अम्मा जल्दी चली गई थी उसकी दुनिया से, उसको वही सहारा था कि बेटा उठो जाके चाय बनाओ अपने. इट वॉज वेरी टचिंग, एंड सो शी हैज फॉलन बैक ऑन दैट इन हर वेरी डिफिकल्ट मोमेंट्स, कि जब भी जिंदगी मुश्किल होती है शी टेक्स दैट. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डन द वे फैज़ा इफ्तिखार ने किया और डायरेक्टर साहब ने किया, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को वो किया, सो आई रियली लाइक इट. आई रियली एडमायर बुशरा'स कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया. शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग असलम एंड शी अंडरस्टैंड्स हर हिज पेन, सो आई डू विश कि बुशरा के साथ बुरा नहीं हो उस कैरेक्टर के साथ, एंड
वो जो है एक्ट्रेस वो बहुत अच्छा, शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड शहरयार मुनव्वर इज अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट, उनके सामने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड हार्ड वर्क, एंड आई वांट टू रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट. उसके अलावा आपको आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है बुशरा के लिए तो वो कोलैटरल डैमेज नहीं है, लेकिन आपने हमारे सफान को जो है वो टक से हटा दिया. नहीं, बिकॉज हर कैरेक्टर का अपना एक मकसद होता है ना. सफान का इतना ही मकसद था इधर तो बुशरा को शुरू से शी इज पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन एंड शी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन पुशिंग असलम फॉर टुवर्ड्स रक्षी. उसी ने असलम को रक्षी के बारे में पहले भी सेंस डाली थी, वो तो असलम आधे रास्ते से वापस आ गया. खैर, कमिंग टू अकरम एंड जो उसका, मुझे बड़ा भाइयों का दोनों का जो इंटरेक्शन था वो बहुत खूबसूरत लगा. आई रियली लाइक के जो जिस तरीके से उसकी बीवी, अकरम की बीवी, उसको समझाती है और कितना अच्छा वो किया ना, वो कहती है वो कितने अरसे से आपको कह रहा है कि आप कराची आए, आप मूव करें, आप भीतपने में अपना ये घर छोड़ते नहीं है जब आपको पता है कि उसको ये घर दुख देता है. तो आई रियली लाइक इट कि उन्होंने, कि फायदा तखार ने थ्रू कैरेक्टर्स डायलॉग एक दिखाया है कि असलम की भी एक जर्नी हो गई है, और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अकरम की भी एक जर्नी हो गई है, वो भी एक जगह आ गया है उसका. अब देखो अकरम की भी ना एक पोएटिक दुख सा आ गया दोनों भाइयों का. यस, पोएटिक दुख सा भी आ गया है. और हम, क्योंकि जब उसने कहा ना उसकी बीवी ने कि तुम क्यों नहीं छोड़ते हो, और फिर जब बैल्कनी में अकरम ने समझाया कि मैं क्यों नहीं छोड़ सकता ये घर, आई वाज आल्सो वेटिंग कि क्यों नहीं छोड़ देता, चला जाए ना असलम के साथ, वो कह रहा है. आई अंडरस्टूड दैट आल्सो. एक यू आर राइट, एक पोएटिक सा दुख आ गया है. एंड राबिया, वो जो दुख है ना वो पूरी कहानी के ऊपर है, लेकिन सम हाउ इट इज स्टिल पुलिंग अस इन. हमें ये नहीं लग रहा कि बहुत रोना धोना होगा, हमें समझ आ रही है अगेन. बात वही है, एक्सेप्ट आई जस्ट विश कि पिछली की कम से कम 8 एपिसोड्स को हटा के इसको ले आते. मतलब मैं जैसे सोचती हूं, वो एक एपिसोड थी जिसमें असलम को दिखा रहे हैं, कभी वो कुत्ते को देख रहा है गली के, कभी वो देख रहा है, मतलब व्हाई डिड वी वेस्ट दोस 10 मिनट्स इन वो, जब असलम सोच रहा होता है कि उसको घर से भागना है, यू नो, जब रक्षी का इंतजार कर रहा होता है. सो देयर वर सो मेनी मोमेंट्स, जब सब कुछ हटा के इस कहानी को पहले शुरू करते तो ये कितनी पावरफुल. ये अच्छा, वो खाने की टेबल पे जो डायलॉग था उनका, उन्होंने कहा कि बच्चों की जो पसंद की शादी होगी वहीं करेंगे, एंड देन असलम स्माइल्स एंड ही सेड हम तो बस नहीं, लेकिन असलम की बिटर स्माइल थी नहीं थी, मैं यही नोट करी थी. असलम मुस्कुराया था अपने भाई के. ओके शाजिया, हम शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. हाँ, ये पहली सी मोहब्बत हमारे साथ ये करता है, एक एपिसोड यहाँ ले आता है और फिर दो एपिसोड जो है ना हम कहते हैं कि ये फास्ट फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रही. तो दिस एपिसोड फॉर मी वाज गुड. ओके, यस, गोइंग ऑन. नेक्स्ट परदेश या आखिर कब तक? परदेश कर ली, फिर आखिर कब तक. या ऑल्दो आई फाउंड आखिर कब तक टू बी अ लिटिल स्लो दिस टाइम, बट चलो परदेश की एंडिंग हो गई है. तुम्हें कैसा लगा? मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि एमन की जीत हुई है या इबाद की जीत हुई है. दैट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, के उन्होंने दिखाया कि वो दोनों अपनी ईगोज और अपनी चीजों को छोड़ के हाफ में आते हैं, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट इज बिकॉज मैं यही सोच रही थी कि अभी तो लास्ट एपिसोड है, वो कह रही है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, वो रुक जाएगा, बट इज दैट द वे आई वांट टू सी इट एज अ व्यूअर, कि वो धमकी के ऊपर रुक गया. और फिर मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी जो इबाद की अम्मी ने समझाया, और ये ऐसी बातें जो हमारे खानदान में बड़े हमें हमेशा समझाते हैं कि बेटा उसको इस तरह रुखसत मत करो, वो जा रहा है. अच्छी, एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि वो समझा देगी. उसने कहा तुम जाओ, मैं उसको समझा दूंगी, और वो समझ गए. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन. आई कंप्लीटली इस दफा जूबी ने साथ नहीं दिया. You saw that Zubi का भी revelation आया. Zubi ने कहा, I don't want to become a Zubeda. क्योंकि Zubi, क्योंकि देखो Zubi ने भी तो कितने अरसे सफर किया, और फिर Zubi ने सबके देखा कि, क्योंकि Zubi को तो बहुत अरसे पहले रियलाइज हो गया था ना, जब एमन के साथ आसिम ने बुरा किया था और सब कुछ हुआ था और घर बेच रहे थे, उसके मियाँ के लिए पैसे नहीं दिए, तो तब Zubi ने रियलाइज किया कि उसने सही नहीं किया था अपने बच्चों की ख्वाहिशात को मार के. तो Zubi has learned her lesson. And that's why she said कि नहीं, जो तुम, जो एमन कह रही है वो सही है, वो इतनी कुर्बानियां नहीं दे सकती, you know. So and again coming back to the same thing, कि जो एमन बार बार कह रही थी कि देखो तुम यहाँ पे काम करो, मैं भी यहाँ काम करूंगी, हम दोनों यहाँ काम करके कमा सकते हैं, which is a valid thing. Because देखो isolation में तो आप नहीं देख सकते ना, एमन was really going through something. Right? Eamon was really going through something. Eamon का जो था उसका, उसको वो constantly trauma में, depression में जा रही थी, and this would have eventually affected their marital relationship. मैं तो 100% इस चीज पे confirmed हूँ, क्योंकि अगर वो अभी बोल रही थी, अगर वो अब इस चीज पे आ गई थी कि तुम मुझे डाइवोर्स दो, तो वो आगे जाके कुछ भी बोल सकती थी, और वो भी
उसमें भी चिड़चिड़ाहट आ गई थी ना बाद में, कल उसको कोई और लड़की या कोई और ऑप्शन मिल जाता बाहर, तो ही वुड हैव सेड ये तो हर वक्त मेरा दिमाग खाती है, व्हाई डोंट आई सेटल डाउन हियर। दीज आर इबाद का, हाँ इबाद का और एहसन का बिल्कुल एक सा कैरेक्टर दिखाया था, एक्सेप्ट दैट एमन जो है शी इज मोर असर्टिव और जूबी जो है वो सब कुछ पी रही थी। अच्छा, आई डोंट फील के इबाद और एहसन का कैरेक्टर जैसा था, आई थिंक दे वर वेरी, आई फेल के द वे दे देयर रिलेशनशिप विद देयर वाइव्स जिस तरह वो केयरिंग थे वो आई फील एहसन ऑलवेज सपोर्टेड हिज वाइफ एंड एहसन अंडरस्टूड हर पेन एंड एहसन वांटेड। इबाद ऑन द अदर हैंड शोड द न्यू जनरेशन जो एक हद तक सुन सकता था, जब उसकी बीवी की चिक चिक उसकी तरक्की की राह में आ रही थी तो ही he responded and he usse ek dafa nahi do teen dafa because dekho ibad ki amma was forcing him to go na aur ibad ko wo actually apni amma ke liye bhi kar raha tha lekin aisa amma ne bhi kiya tha ki wo to aisan ki amma ne bhi kiya tha zulm ho raha hai but aisa nahi ki zubi ka koi support system nahi hai ghar mein, usko pata chal gaya tha ki meri amma support nahi kar rahi hai but I feel aisan ke paas kabhi bhi opportunity hoti to wo dusri shaadi nahi karta, I feel ibad ke paas agar opportunity hoti kar leta to agar aiman zyada chik chik karti ibad would have said bas bahut ho gaya अभी नहीं होता इन अदर सेवन ईयर्स आई वुड हैव सेड और मे बी टेन ईयर्स दिस वुड हैव हैपेंड बिकॉज एमन क्योंकि एमन की जो चिकचिक थी चिकचिक नहीं कहूंगी एमन का जो मुसलसल अपने राइट के लिए आवाज उठाना था वो बहुत परसिस्टेंट हो गया था कॉन्स्टेंटली हर बात पे वो उसको एक ताना देती थी या उसको रियलाइज कराती थी। इबाद आजकल का नौजवान दिखाया है जिसमें पेशेंस बहुत कम होती है स्पेशली जब उसकी माँ भी उसको कह रही है बेटा तुम बाहर जाओ तो वो क्यों वो कितनी देर तक कहेगा। लेकिन बात ये भी देख रहा था कि एमन के इर्द गिर्द थिंग्स आर ओके फाइनेंशियली दे आर ओके एंड वैसे हाँ जो उसकी वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बात को नजर नहीं आ रही नहीं आ रही थी एंड तुम्हारी यही बात थी बिकॉज बात देख रहा था कि शीज ओके ही वुड हैव सेड She's okay. I can move on with my life. She'll be okay. लेकिन ऐसा तो नजर आ रहा था कि जूबी की प्रॉब्लम्स थी सो आई थिंक इट्स अनफेयर टू से दैट अबाउट लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो बट डोंट यू थिंक कि अगर एमन की का वो सब प्रेशर नहीं होता तो ये इबाद नहीं आता कभी भी वापस वो आराम से बैठा रहता वहीं और वो भी वहां सो डू यू थिंक एमन्स प्रेशर वाज जस्टिफाइड। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर आई फील बिकॉज इसी में मैं भी यही बात जब मैं कल ड्रामा भी देख रही थी ऑल्दो आई लव इट एंड एवरीथिंग माय क्वेश्चन वाज कि अगर हम इबाद को थोड़ा सा इस सब चीजों को हटा के देखें और हम ये सोचें कि अगर एक मर्द का ये ख्वाब है कि वो बाहर जाके काम करना चाहता है ठीक है उसका ख्वाब नहीं था लेकिन वो जब गया जैसा वो कहता है कि मैं गलत था मैं जाके देख रहा हूँ मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ मैं अपनी फैमिली को कितनी अच्छी तरह कर सकता हूँ एंड ही वॉज हैप्पी। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक इबाद वॉज नॉट एज अफेक्टेड बाई स्टेइंग आउटसाइड एज एमन वॉज ही वॉज हैप्पी। तो मैं यही क्वेश्चन कर रही थी कि इबाद की ये ख्वाहिश इबाद का ये करियर का जो है वाज इट जस्टिफाइड कि उसको हम बोल रहे हैं कि तुम गिव अप कर दो क्योंकि आप ये भी तो देखें ना आप एमन की साइड ले रहे हैं हम एमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम इबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना क्योंकि इबाद नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि अगर फैमिली एक साथ नहीं हो इन दिस सिचुएशन जब फाइनेंसेस आर नॉट अ मेजर कंसर्न तो फिर नथिंग इज नहीं नहीं एक करियर ओवर मैरिज एक इंसान की वांट और ख्वाहिश की भी बात कर रहे हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंसान नॉट अ मेल और अ फीमेल। और क्योंकि इसमें एक और डायनामिक भी है कि इवेंचुअली एमन का वीजा हो जाना था ठीक है इट वाज नॉट कि एमन का वीजा नहीं होता जो उसकी माँ भी उसको आके बात कहती है एमन क्यों उठती है एंड में जब उसकी माँ आके बोलती है अतीका ऑटो का कैरेक्टर वो यही कहता है कि देखो बेटा ये वो हालात नहीं जो तुम्हारी माँ ने किए थे तुम्हारा वीजा इवेंचुअली होगा बट तुम इस वक्त की बात को ऐसे मत जाने दो क्योंकि तुम फिर रिग्रेट करोगे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया। सो द डायनामिक्स आर डिफरेंट इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर बट आई रियली लाइक इट के बट परदेश ने कंफ्यूज नहीं किया परदेश ने एक साइड ली उस साइड को रिप्रेजेंट किया और उसने बहुत से कपल्स को सोचने पर मजबूर किया होगा कि आप चूज करें सो इट्स गुड बट आई एम ओनली सेइंग कि एक मर्द की ख्वाहिश को भी रिस्पेक्ट करना इज समथिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट एंड वीविया शुड थिंक अबाउट एंड बोथ ऑफ देम शुड ट्राई टू कम इन द मिडल समहाउ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू एक्सपेक्ट इबाद टू जस्ट लीव एवरीथिंग। देखो इबाद की भी तो ख्वाहिश हो यस आई एक्सपेक्ट इबाद टू लीव एवरीथिंग अगर 1.5 साल 2 साल उसका बच्चा बड़ा हो गया है और वो नहीं मिला है और वीजा ही शुड टेल हिज फैमिली हिज कंपनी मैं वापस आ रहा हूँ आप पहले वीजा कराएं फिर मैं अपनी बीवी बच्चे को लेकर जाऊंगा। एग्जैक्टली तो ये चीजें हो जानी चाहिए या तो ये चीजें होनी चाहिए थी बट परदेश ने ये सब नहीं दिखाया। परदेश ने एक साइड दिखाया परदेश हैज पिक्ड अप वन पॉइंट ऑफ द स्टोरी व्हिच इज योर फैमिली गेट्स अफेक्टेड एंड यू आर मिसिंग
missing. What I have said. Yeah. And you are missing on a lot of things. क्योंकि इबाद को जो final hit करती है वो different scenes उन्हें दिखाए कि वो constantly throughout the way वो देखता है कि बाप बच्चों के साथ कितने different scenarios में there's a whole family, there's बाप with the kids which keeps hitting him and making him realize what he's missing, you know. Yes, yeah, yeah. Also, I think वो तुम सही कह रही हो, वो एक कहानी को लेके आगे चले हैं, because actually बार बार वीजा reject करना है, पढ़ी लिखी लड़की का जो काम भी कर रही है, was a little strange. वो नहीं होता, लेकिन उन्होंने, Rabi, I just wanted to point out कि चाहे आपके husbands परदेश में नहीं हो, जब कोई बीवी एक workaholic या कोई spouse दूसरे workaholic के साथ भी रह रहा होता है ना, तो ऐसा ही scenario होता है कि आप बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे होते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में लेके जा रहे होते हैं, या आपके हस्बैंड ट्रेवल कर रहे होते हैं, बीवी का काम होता है, क्योंकि there are few are working women compared to men, जो इतने ज्यादा invested होते हैं अपनी करियर में, लेकिन ये ही होता है, and that woman feels it in the same way, the absence of, and children feel it. Yeah. So if you feel you are not relating to Pardes, क्योंकि आपके घर में कोई बाहर नहीं गया, you can still relate to that relationship जो develop हो रही थी. Yeah. So yeah, I did want to point that out. Yeah. आसिम का red कुर्ता. Parenthood. आसिम का red कुर्ता. I was like, गौर्स आप क्या बात है, red कुर्ता पजामा. भाई बहुत कम मैंने इस तरह देखा है, तो that was very interesting. I really love this development कि आसिम और नौशी जो है उसको जुबैदा वापस ले आती है. So that's what I'm saying कि इतना खूबसूरत जुबैदा का कैरेक्टर दिखाया है, कि उसकी एक जर्नी दिखाई है उन्होंने, कि उसने किया, फिर वो एक्सपेक्ट भी करती है कि मैंने गलत किया, मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादती की, लेकिन कोर पे अपने वो वहीं जाती है और वो माफ करके फैमिली को साथ ले आती है, यू नो. साथ ले आती है, बिल्कुल. I also like Rahila's, and this is again a message for everyone today, parenthood, कि मेरे जो दो नंबर की पोजीशन थी, मैं उसका दाग हटाने के लिए तुम्हें पहली पोजीशन पे देखना चाह रही थी हमेशा, and that pressure was there, लेकिन अब ही हो गया था, when she asked him to come back, तो अब इबाद बहुत आगे निकल गया था, it was too late for इबाद to listen now. तो एक ये पॉइंट हुआ था, लेकिन ये हम सब करते हैं, शायद हम भी करते हो, मुझे नहीं पता, कि अपने बच्चों को कभी एक चीज में पुश करें कि मैंने कभी पियानो नहीं सीखा, तो बच्चे को तो सीखना बहुत जरूरी है, और सिर्फ सीखना नहीं है, महारत भी हासिल करनी है उसके ऊपर. सो इट डज मेक यू थिंक एज अ पेरेंट कि आप बच्चों के ऊपर कितना लाद रहे हैं, कितना. आई डिडंट थिंक, डिड यू थिंक कि वो जो उसका कजन वापस आता है, सलमान नाम है ना, और वो उसको, आई डिडंट लाइक दैट, मुझे भी, मेरा नहीं ख्याल I just felt it was not fair to Eamon to make her feel guilty for that, you know. Eamon ne uska kiya, aur uska character bhi acha dikhaya tha, Rabia. Agar uske amma appa kehte, it would be okay. सलमान के साथ आई डिडंट एक्सपेक्ट, लेकिन यही हुआ ना, सलमान ने थोड़ी कहा था, उसके अम्मा अबा ने कहा था, तुमने वो शायद पार्टनर, लेकिन उसने कहा कि कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें बुरा नहीं, बट उसने बहुत अच्छे से बोला था, मुझे सलमान का कहना बुरा नहीं लगा, उसके जिस तरह उसकी फुप्पो ने बोला ना, और फुप्पा ने उसको वो लगाते हुए कचोके, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, दैट वाज नॉट राइट. आई थिंक सलमान ने ये कहा तो इट्स ओके, बिकॉज सलमान रियली लव्ड हर एंड सलमान स्टिल लव्स हर मे बी. सो उसको कहा कि तुम देखो तुमने मुझे छोड़ दिया, फिर भी तुम्हारा मियां. सो आई डिडंट फाइंड कि सलमान, I would have wanted him not to say it because he was so nice. But lekin koi baat nahi, chalo pyar se kaam. But overall Pardes was amazing. I love the last scene. Wo mujhe samajh aa gayi thi ki yahi hua hoga, jo pura lighting off thi aur phir wo lighting on hoti hai. That was really, and unhone maa ko bhi dikhaya. So I like these small gestures. But I wohi tha, koi nayi cheez nahi thi, but the way it was done, we were happy to watch it, you know. We enjoyed watching it. Rabia, there were no grand sets, okay? Yeah. There was not tha, aise koi glamorous outfits nahi the kisi ke. Yeah. Lekin kahani ka pull, aur kahani mein koi comedy bhi nahi thi. It was a serious kahani, jo unhone ek character ko develop kiya hai. They've taken the character along with the journey, and in the episodes, hume ye nahi laga kahin agar slow bhi ho gaya ki khich gaya hai bahut zyada. There was a little bit of toxicity, jahan abhi humne phuppo ka dekha, ya pehle humne मदर इन लॉ का देखा था, लेकिन उसमें भी पीपल वर रिलेटिंग टू इट, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू टॉक्सिसिटी है. तो एंड यू नो द डायरेक्शन वाइज अगेन आई हैव टू से कि जिस तरह इबाद आता है उसी तरह एहसान आता था घर के अंदर एकदम से. So it was very beautiful the way they kept to all those things. So very beautifully done. And I want to mention three things. I love the drama because of these three. Number one,
मुझे लगा कि इन्होंने बहुत ही रिलेटेबल, बड़ी रियलिस्टिक बातें दिखाई जो हर कोई कर सकता है. जैसे ही बात आगे कहता है कि यहाँ कितनी मिट्टी है, मेरे पेट खराब हो गया है, यू नो, यही होता है कि जब 5 साल यही चार होता साल है। बाहर रह जाए तो आपको जिस जगह पले बड़े उसी जगह की चीजें मुश्किल रहनी रहती है. एंड नथिंग बिग, इज जस्ट द सहूलतें आउटसाइड विच अट्रैक्टेड हिम, यू नो. आई रियली लव दीज स्मॉल थिंग्स जो रिलेटेबल थी, जो एक आम इंसान की जिंदगी में होती है. अफसानवी चीजें नहीं थी, यू नो, दीज आर नॉट सेल्फ क्रिएटेड और इमेजिनरी. सो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट सरवत नज़ीर, राइटर एंड मरीना खान डायरेक्टर, फॉर मेकिंग श्योर कि इट्स रिलेटेबल. सेकेंड, शाजिया, हर कैरेक्टर की डेवलपमेंट हुई. अगर तुम देखो, रोहेल कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ पहुंचा, आसिम ने कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ पहुंचा, जूबी ने कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ से पहुंची. यू नो, आई जस्ट लव्ड इट, बिकॉज हम लोग कई दफा बात कर चुके हैं, कुछ ड्रामों में कैरेक्टर जैसा होता है वैसे ही होता है, हालात इधर से उधर हो जाए उसमें, बट इधर की. और ऐसा ही होता है जिंदगी में, ये हमने ऐसा ही सबने देखा होता है। है, मकाफाते अमल सबका होता है. एंड थर्ड, आई लाइक इट कि मकाफाते अमल उन्होंने कोई 6 एपिसोड पहले दिखा दिया था. सब चीजें उन्होंने एक लास्ट एपिसोड में नहीं भरी कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, जो हम कंप्लेन करते हैं. एंड आई यस थिंक द चौथी बात क्या थी, मैं भूल गई, सबकी परफॉर्मेंसेज. आई थिंक आई वांटेड टू अप्रिशिएट द परफॉर्मेंसेज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, कि इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी. ओके, आई आई वांट टू वांटेड मेंशन, टू अप्रिशिएट। हाँ गो ऑन तुम्हें किसको अप्रिशिएट करना है, तुम बोलो. एमन, आई वॉन्टेड टू से कि एमन का जो उन्होंने जर्नी दिखाई थी, आई थिंक फॉर मी इट वॉज फैंटास्टिक, क्योंकि ओसा भी था लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं थी। अभी भी लास्ट एपिसोड में जब वो सॉरी करती है अपनी मदर इन लॉ को जाके, तो वो कहती है कि सॉरी मैंने आपके साथ ये बातें कर दी थी, अम्मी को भी मैं इस तरह कह देती हूँ, उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मुझे अपना कहा है। तो इसलिए उन दोनों के रिलेशनशिप की जर्नी बहुत सारे लोग घर में देख रहे थे, और ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ सिनेरियो प्ले आउट कर रहा था, और तुम यही कह रही हो कि वो आजकल का इबाद है और ये भी आजकल की रिलेशनशिप है। तो ये इस तरह भी मैं, वो पुराने जमाने की रिलेशनशिप थी जो जूबी की है, तो दे प्लेड विद बोथ द पीरियड, बिकॉज दिस वाज एक पीरियड भी उन्होंने पुराना दिखाया था ना, तो दस वेरी सटल ट्रांजिशंस फ्रॉम दैट पीरियड टू दिस पीरियड, वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इन रिलेशनशिप्स, इन सेट्स, इन एवरीथिंग दे शोड इट एंड आई वेरी लाइक इट वेल। जब वो जब आता है ना ये बात, वो कहता है छुट्टी कर लो ना, तो वो एमन ऐसे देख रही होती है बात कर, कहता है अच्छा तुम जाके, मैं उसको एहसन को देख के आता हूँ. तो वो इतना क्यूट सीन था जब उसकी सफिया जो होती है उसको कहती है कर लो ना, हाँ कर लो सुन लो ना। ना, इट वाज सो क्यूट. एंड यू लाइक या वाओ, कितने क्यूट मजे से कह रही है. आई वांट टू अप्रिशिएट अफान, एंड द रीजन इज दैट सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सबका बहुत था. बट यू नो, हर किसी के पास आंसू थे, चीखने चलाने का टाइम था, कि डायलॉग थे, और थोड़े इमोशंस दिखाने का वो था. आई फेल्ट अफान हैड द मोस्ट चैलेंजिंग रोल इन दिस, बिकॉज ही ऑलवेज हैड टू डू थिंग्स ऐसे. अगर तुम देखो तो इबाद कहीं भी चीखा चिल्लाया नहीं है, इबाद कहीं भी बेड़ा रो नहीं रहा है, यू नो. सो ही हैड टू प्ले इट सटली. एंड आई थिंक जब आप, आपको सटल खेलना होता है और सटल एक्सप्रेशन देने होते हैं, येट विदाउट येट मेकिंग श्योर कि आपकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो, वो बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है. कि वो एक बैठा हुआ अपने बच्चे के साथ बात कर रहा है, लेकिन हमें फील हो, यू नो, कि ऐसे नहीं लगे कि बस दो डायलॉग बोल दिए हैं, बट टू ब्रिंग दैट बैलेंस कि वो उसको एग्जैजरेट भी नहीं कर रहे, और अपना आपके आपको इम्पैक्ट भी कर रहा है एज अ फादर, जो हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मेरी बीवी मुझे तंग क्यों इतने मसले कर रही है, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारना चाह रहा हूँ, और बीवी तैयार क्यों नहीं होती, और इसको समझ. इट वाज अ वेरी वेरी आई फेल्ट इट वाज अ चैलेंजिंग रोल फॉर हिम, एंड आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब एट इट, एंड आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट. Yes, I totally agree, and I'm hoping to see more of Zed in future dramas. या ट्रू Because I think he did a great job, या and yes, तैयार होने पे मुझे याद आया वो बड़े मजे का डायलॉग था जो एमा ने कहा कि आजकल लड़कियां अपने लिए भी तैयार हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो जमा, और कॉन्स्टेंटली, जूबी ने सो कहा कॉन्स्टेंटली इट वॉज फुल ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डायनामिक रेलिवेंट मैसेजेस. मैसेजेस या ओके जी, बिल्कुल। नेक्स्ट ड्रामा, आखिर कब तक? आखिर कब तक? जी बिल्कुल, आखिर कब पिछली तक? पिछली बार की एपिसोड बहुत ही हैपनिंग थी, तो ये वाली थोड़ी सी एक नॉट मुझे स्लो लग रही थी, ड्रैग नहीं थी, स्लो थी, लेकिन बहुत मजा आ रहा था फिर भी देखने का. आई रियली आई लव्ड वाज इट. हाँ, मेरा पहला रिस्पांस वाज जो सफिया की रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ दिखा रहे थे, जो सीन है पेस है, देखिए ये बहुत जरूरी है फॉर वेमेन हु क्रेव अ रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड्स, लेकिन मियाँ नहीं देते, या तो वो क्योंकि दे हैव ग्रोन अप थिंकिंग कि हमारी रिलेशनशिप ऐसे ही होनी चाहिए, डोमिनेटिंग, असर्टिव, दूर रखना चाहिए बीवी को। तो उसके डायलॉग्स, एंड आई हैव टू से जवेरियास एक्टिंग वाज ब्रिलियंट, द डायलॉग्स वर ब्रिलियंट, शी सेड कि अगर आप मुझे इजाजत देते कि मैं आपके सीने पे सर रख सकती तो मैं आपको ये सब बताती,
लेकिन आपने मुझे कभी समझा ही नहीं कि मैं ये कर सकती थी. वही मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सफिया इज द वॉइस ऑफ अ लॉट ऑफ वुमेन, अ लॉट ऑफ वुमेन. एंड वो मे बी शायद कुछ लोग इनकरेज होके इनिशिएटिव ले रही हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, या फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ. बहुत दफा ऐसा होता है रिलेशनशिप में आप ईगो में रह जाते हैं कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, या आपकी झिझक होती है औरतों में मोस्टली अगर देखा जाए कि अच्छा अगर मियाँ फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहा है तो मैं क्यों लूँ. तो मे बी आई रियली होप कि दिस इनकरेजेस देम कि ठीक है कभी कभी आप पहला स्टेप ले रहे हैं और रिलेशनशिप के डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज इट्स ये दोनों की अच्छाई के लिए होता है. अच्छा जी इंस्पेक्टर नासिर और नूर, चले आ जाए जी मेन टॉपिक जो मैंने पिछली भी दो किस्तों से बोल रही हूँ, शाजिया हर बार उसको ना इग्नोर करके साइड पे के बस नहीं इंस्पेक्टर नासिर के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलो राबिया. नहीं तो वो फंसेंगी ना, अब आ गई है नूर मैदान में, उनको पता चल गया है कि दान में कुछ कर भी वो प्यार प्यार में कह के चली गई. अभी तो सिर्फ उन्होंने कजन को और उनको बाहर निकाला है जेल से, बट शी नोज के बिजनेस में एंड शी इज अपसेट मेरा सब कुछ था तो शायद उसलिए उसको जरा ज्यादा हो रहा है. जब उसको रियलाइजेशन हो रहा है तो उस वो जो इतना बड़ा बड़ा बन रही है अपने अब्बा और सबके सामने, अब उसको रियलाइज हो रहा है की ओ नो एक और मर्द की वजह से मैं शायद कामयाब हो रही हूँ. तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बट आई फील उसको इतना शायद अपसेट नहीं होना चाहिए, आगे जाके पता चलेगा वो कितना अपसेट होती है. सेकंड मुझे समझ नहीं कि मैनेजर ने, आई फील मैनेजर कुड हैव टोल्ड हर इन अ बेटर वे कि नहीं उन्होंने किया है लेकिन उन्होंने आपकी मतलब ही इज डन इट फॉर योर सेक. मैनेजर ने तो बिल्कुल हाथ उठा लिया इंस्पेक्टर नासिर के ऊपर से. मैनेजर ने कहा तुमने जो मुझे रगड़ा दिया ना इंस्पेक्टर नासिर, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ. Because he could have told her कि नहीं, he is not meaning to harass you or be in a bad sense towards you. He does care for you. That's why, which is quite obvious, I think. You know, and I think it is natural कि वो करेगा. अब ये उनके ऊपर है कि relationship आगे बढ़ेगी तो नूर तो day and night ये नहीं accept करेगी कि भाई जहाँ रिश्वत ले रहे हैं, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ तो वो कैसे फिक्स होगा एंड पुलिस वाले की सैलरी पे जिंदगी कैसे गुजरेगी. That is another thing. But I love the thane wala scene. I'm sorry, I'm going to come back to that. Ki pastry bhi aa rahi hai, to patties bhi aa rahi hai, to chai bhi, to coke bhi, to bhai aap darwaze ko roke to phir main aapse baat karun. It was so cute. Nahi, also ye har koi mujhe salute kyun kar raha hai? To kehti hai, to banda kehta hai, aapko nahi karenge, to aur kisko karenge? And she's completely lost, you know. But I'm actually very interested to see ke ye script, abhi tak to har cheez ko bade acche tarike se handle kar rahe hain Radha and Shah. To ye आगे जाके स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में इंस्पेक्टर नासिर के कैरेक्टर को किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्या उसकी करप्शन का बिल्कुल सीन निकाल देंगे, क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी, क्या होगा, बिकॉज नूर के प्रिंसिपल्स बहुत सख्त हैं. एंड माय क्वेश्चन अगेन, जिस पे मुझे बैशिंग भी हो सकती है और इंडस्ट्री के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे ये अपनी राग लाप रही अपना राग, कि अ करप्ट पर्सन कैन नॉट बी अ हीरो नो मैटर हाउ क्यूट और हाउ नाइस ही इज. आई एम सॉरी फॉर मी आई वुड नॉट, सो दे हैड, आई डोंट नो द सॉल्यूशन, मुझे भी सॉल्यूशन नहीं पता. ड्रामा जिसमें इतने मैसेजेस हो रहे हो, आई वुड से दैट, आई वुड से कि अगर वो ड्रामा का जॉनर डिफरेंट होता तो वी माइट हैव सीन दैट इन यू नो अ सॉर्ट ऑफ अ पैरोडी या समथिंग. लेकिन क्योंकि आप मैसेजेस दे रहे हैं, बट आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम टू समथिंग. इसमें ये दोनों काम करेंगे और दोनों उसकी भी, इंस्पेक्टर नासिर हमारे बेचारे की भी जर्नी होगी, उनका फन इज गोइंग टू कम टू एन एंड. वो टॉम एंड जेरी नहीं देख सकेंगे जब लोग से उठक बैठक करवा रहे हो. And Adil Hussain did such an amazing job. He's like laughing, और वो इतना अच्छा direct किया हुआ है कि इधर वो देख रहा है, इधर वो कर रहा है, and he's laughing and he's enjoying both the things. It's not just Tom and Jerry. He's enjoying that also. बहुत मजे का scene. और हमें भी बड़ा मजा आया. I think he was just loving it. He was loving it as a person, as Adil Hussain. Forget Inspector Nasir. Yes. So Saim and Fajar. जी. तो साइम और फजर की I'm actually very disappointed to see the mother-in-law behaving like this, because that's one person who has gone off track for me completely. जिस तरह हम शुरू में सफिया के कैरेक्टर को कह रहे थे कि बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी चलो हमें जस्टिफिकेशन, मुझे इनकी नहीं समझ आ रही कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाह रहे. वो कह रहा है कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, गलती भी हो गई अगर फजर से, झूठ भी बोल दिया, यू हैव टू गिव इट टाइम. आप ऐसे मिया की भी नहीं सुन रही है वो. तुमने पिछली बार भी तुम्हें बोला था, अभी दोबारा कह रही हूँ, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है. अभी वो सफिया को भी कहती है कि योर डॉटर इज इंटरेस्टेड इन हर कजन,
तुम्हारी बेटी जो अपने कजन में इंटरेस्ट है, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, वो बिटर हैं और उनको गलत गुस्सा भी है, बट उनको ये गलतफहमी भी है जो कोई उनकी गलतफहमी सही नहीं कर रहा है. तो अब आगे जाके देखते हैं कि क्या होगा. सो आई एम कीपिंग क्वाइट, आई एम नॉट सेइंग मच बिकॉज आई वांट टू सी वेयर दिस ट्रैक लीड्स टू. Maybe, yeah, no, but I just felt कि ठीक है, नहीं, interested हो भी तो आप इतनी बेइज्जती नहीं करती किसी की कि आपको बैठने को कहा है, आप क्यों बैठी. वो तो कुछ हाँ चीजें ड्रामे में बहुत एग्जैजरेटेड है ना, एग्जैजरेशन हुई भी हाँ है. वो नहीं बट या बट लेट्स स्टैंड से क्या आई करेगा आगे. आई मिस्ड वाचिंग साइमन फजर के सीन. आई रियली वांट टू सी, प्लीज हाँ डायरेक्टर साहब या जो भी टीम में सुन रहे हाँ हैं, प्लीज एडिट में कम से कम 4-5 सीन साइमन फजर के जरूर डाला करें. वी लव वॉचिंग देम टुगेदर. तो उनके सीन प्लीज जरूर होने चाहिए. जो फजर अपने बाप के कंधे पे सर रख के रोती है, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था. इट वाज सच अ लवली सीन एंड अमेजिंग ड्रामा. बहुत मजा आ रहा है उसको देखने का. राबिया, डिड यू सी कि फजर की स्टटरिंग कम हो गई थी आफ्टर शी मेट हर फादर, जब वो और वो बिस्तर पे बैठी और वो कह रही कि वैसे तो तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं निकलती और अब तुम फट फट फट. एंड वाकई शी और बट इवन एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू सिराज फॉर दैट, क्योंकि वो स्टटरिंग उन्होंने कम भी करी तो उन्होंने बंद नहीं करी. ऐसा नहीं था कि वो फट 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 बोल रही थी, देयर वाज बट इट वाज बेटर. और फिर उसके बाद फिर जब वो स्ट्रेस में थी, जब वो सुन रही थी बात उनकी सायम की बहन ने जब फोन किया तो अगेन द स्ट्रेस वाज देयर. सिर्फ वो क्यों फोन कर रहे थे बेचारी को, क्यों बुला रहे थे कि वापस जलील होगी, वो पहले अम्मा का आप फिक्स करें उसके नहीं, बाद आप वो बीबी काइंड ऑफ आई का. थिंक वो भी सही है, जब घर आ जाएगी रहेगी और अगर मियाँ को खुश रखती है तो मे बी माँ चेंज हो जाए. तो आई एम नॉट सो मच अगेंस्ट इट, लेकिन I अगर think सर Saim अभी had not seen that encounter between Fajar and his mother, तो इसलिए he's not aware कि कितना हो मैं सकता सरहा की तारीफ करना चाह रही हूँ. जब सरहा अपने बाप के पास बैठी होती है और उसकी माँ जा रही होती है, तो वो नूर को भी कॉल करती है, नूर नहीं कहती, वो बैठ जाती है. फिर नूर कहती है बाप का क्या है, तो फजर जो है ना मुड़ के देखती है, और जो फजर में चेंज आता है, डिड यू सी हाउ सॉफ्ट एंड एकदम से भूल जाती है सब कुछ, अपने बाप की को देख के एक प्यार आ जाता है. एक वो मुझे जहां तक याद पड़ता है वो एक शॉट है, इट वाज वन शॉट, इट वाज नॉट एडिट, मुझे नहीं नजर आई, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो. तो ये जो ट्रांजिशन था एक्सप्रेशन का फजर का, सरहा ने जो किया वो बहुत जबरदस्त था. इट वॉज रियली नाइस. आई जस्ट होप दैट दिस गिव्स हर मोर कॉन्फिडेंस इन लाइफ. एंड तुम ये देखो कि वो आदमी जो है ही इज पैरालाइज्ड, ही इज लाइंग इन बेड, लेकिन फिर भी जस्ट एंड अ शाउट आउट टू शहू गर्दी फॉर द एक्सप्रेशंस ही वाज यस, गिविंग एट यू आर द राइट. टाइम, रियली हार्ड. जिस तरह वो अफसोस भी कर रहे थे और वो हाथ भी रखना चाह रहे थे और इट वॉज लाइक यू कुड फील इट द इमोशन, लेकिन उन इन दैट स्टेट ऑल्सो वो अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस दे सके, अपनी बेटियों बिल्कुल को. बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है कि बाप जो है और माँ भी आपको कॉन्फिडेंस दें. बिल्कुल सो बिल्कुल. अच्छा जी, अब दैट्स आ जाए हम वॉट कहाँ के सच्चे थे. सॉरी, खुदा मोहब्बत 3 हम कहाँ के सच्चे थे आई लास्ट पे. ओके जी, हाँ हाँ बताइए क्या ख्याल आते हैं आपके. आपका ख्याल था फीदी चला जाएगा अपनी माँ के साथ, बट वो नहीं गया. माँ का रोना धोना, बहन की मिन्नत, भाई का समझाना, हाँ, बाप की खामोशी, हाँ नथिंग वर्क्ड ऑन हिम. नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप से वादा किया हुआ था. आई थिंक शी ही सेड दैट. जो मुझे समझ नहीं आ ओह रहा क्या वादा किया हाँ, था, भी जाओ अपने घर कहानी जाओ, जान छोड़ो माही की भी. सो आई आई डोंट अंडरस्टैंड. आगे कैसे चलेगी राबिया, यही हम कहते हैं ना. कहानी ये बात भी सही है आपकी. नहीं, या मजार तो बंद कराने वाले हैं वो नाजिम शाह साहब. वो तो कह रहे हैं कि बस ये हम इलेक्शन जीत जाएं, ये सारे मजारों के चक्कर बंद होते हैं, इनको हाँ, बहुत ज्यादा फैल कितनी गई इवल है. थॉट्स है ना नाजिम शाह की. मतलब ही हैज नॉट लर्न्ड अ सिंगल लेसन फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड. तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का मियां मर गया, तुम्हारे अच्छे खासे, तुम्हारी माँ, मतलब तुम्हारे बाप ने तुम्हें थप्पड़ लगाया, सब कुछ हुआ. वही के वही हो तुम इलेक्शन के उसमें, नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बट हिज ओन सेल्फिश यू नो गोल्स दैट ही इज और थिंकिंग. बीवी इतनी अच्छी मिली हुई है उसको. बीवी इतनी अच्छी, उसके ऑपोजिट है. हाँ अस्मा अब्बास, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस जब वो करती है. एंड आई लव द वे कि वो कितना दुख होता है ना, कितनी अच्छी दिखाई है कि माएं जो होती है ना वो फील करती है, स्पेशली बेटों के लिए. और जब बाप बेटों से दूर होते हैं, वो कहती है उसको कि देखो ये तुमसे मोहब्बत करता है, और वो उसी पर खुश हो जाती है कि बाप बेटे से अच्छे तरीके से बात कर रहा है. और आई एंड आई रियली लाइक, वो हाँ कहती है मैं यही रह रही हूँ, मैं यही रह रही हूँ. तो मुझे वो हाँ पूरा वो कहेगी मैं नहीं जा रही. फैमिली की जो पूरी डायनामिक्स थी और जो बात थी, और वसीम अब्बास के कैरेक्टर में जो चेंज आया और वो जो वो आया, आई रियली लाइक्ड इट. आई थिंक इट ब्रॉट अ वार्म्थ टू द व्यूअर्स, अगर आप देख रहे थे तो. बिल्कुल आई एग्री. दैट होल सीन विद द फैमिली और वो बहन किस तरह कह रही थी, आई हैव टू गिव अ शाउट आउट, वेरी गुड एक्टिंग दे. शी सेड भाई चलो ना आ जाओ, आई डोंट नो हाउ व्हाट शी कॉल्ड हिम, लेकिन एक जो टोन उनकी थी उसमें दैट वाज ब्यूटीफुल.
जी नाकाम इश्क, इश्क नाकाम नहीं होता कभी भी राबिया. I think, okay, finally, I would say finally this drama has given a very, very good message to the aashik, to the nakam aashiks actually. And I was finally, ke mohabbat mein yahi sabse badi cheez hai ki aap jawab mein expect nahi kare ki wo bhi aapko mohabbat kare, aur ye aapko freedom deti hai, aur is freedom ke saath mohabbat karne ki baat hi kuch aur hoti hai. To I really want to appreciate, kyunki hum bahut zyada ye baat bolte aaye hain ab tak, to jab koi achhi baat ho rahi hai तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत जगहों पे जाके फिर कमेंट्स पढ़े एंड पीपल विल रियली अप्रिशिएटिंग एंड दे अंडरस्टूड कि ड्रामा क्या मैसेज देना चाह रहा था कि इश्क की का जो क्या बोलेंगे वो इंतहा, इश्क की इंतहा यही है कि आप मोहब्बत करें लेकिन इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं हो कि आपका जिससे आप मोहब्बत करें वो भी आपको जवाब में मोहब्बत ही करेगा. एंड उसका मजा ही कुछ और है एक वन साइडेड मोहब्बत का जो कि फकीर ने उसको बात समझाने के लिए, because then you are free to love, then you are free to love and you are not, there's no unconditional love जिसको कहते हैं. और उन्होंने कहा था कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे the second level, क्योंकि पहले लेवल पे आप जो हैं बस आपके basically your hormones are just directing you and आप इश्क में बस crazy हुए चले जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके जो माशूक हैं वो भी आपको वापस उसी तरह respond करें. और उस लेवल से आगे बढ़ना यही होता है जो मोस्ट ज्यादातर लोग जो हैं वो पहले लेवल पर ही रह जाते हैं. वो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि उन्होंने बोला कि इश्क में नाकामी क्या होता है, इश्क कभी नाकाम नहीं होता है, वसल नहीं हुआ हुआ तो हिजर मिल जाता है. तो मुझे ये दो तीन मैसेजेस बहुत जबरदस्त लगे कि क्योंकि वो नाकामी इज ईगो का मसला भी आ जाती है ना, तो बड़ा अगर आप देखें तो फिलोसॉफिकल चीज है कि नो इट्स नॉट, यू हैव नॉट फेल्ड जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट लविंग यू, आप फेल नहीं हुए हैं. सो उसको ईगो का मसला नहीं बनाए, उसको अपने दिल पे नहीं लें, वो उसकी चॉइस है, आपकी चॉइस ये कि आपने उससे मोहब्बत की है. सो कीप डूइंग दैट इफ दिस इज व्हाट यू वांट, यू नो. तो मुझे वो पूरा, मैंने उसको दो दफा सुना जाके एंड आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट. मैं एक एक लाइन सुन रही थी, बहुत खूबसूरत डायलॉग थे. आई थिंक नूरुल हसन डिड एन अमेजिंग जॉब एंड फिरोज खान वॉज सो गुड. लाइक वो जो उस वक्त फिरोज खान के एक्सप्रेशन थे ना इस फरहाद के, वो कंफ्यूज सुन रहा है, एक एक बात को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक एक जुमले को अपने अंदर पिरो रहा है, वो बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन. जैसे एक एमेचर नहीं सुन रहा होता है जो समझ नहीं, क्यों कैसे कि मैं तो कुछ नहीं ढूंढने आया था यहाँ, मैं तो ऐसे ही आया था. लेकिन राबिया, आई वॉज रीडिंग अप अ लिटिल बिट ऑन सूफी लेवल्स ऑफ, यू नो, जो आपके लेवल्स ऑफ सेल्फ होते हैं, तो उसमें पहले सेकंड लेवल पे यही होता है कि पहले पे आई थिंक कि फिर आप छुप जाते हैं दुनिया से, आप कहीं और, एंड विच इज व्हाट फरहाद डिड, कि आप किसी ऐसी रिमोट जगह, क्योंकि आपके इश्क का लोग मजाक ना उड़ाएं, तो आप जाके कहीं, तो दिस इज मे बी व्हाट फरहाद वाज डूइंग, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग इट. तो वो, लेकिन उसका वाकई ये था, नहीं सिर्फ आप कभी इश्क में मुब्तला हुए हैं, क्योंकि वो जिस चीज से गुजर रहा था वो समझना चाह रहा था. And this was the person he wanted to learn from. So that was also something. And then this sense of relief, कि उसका नतीजा क्या हुआ? He wanted to know. तुमने जो ये बात बोली उसी से रिलेटेड मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा था, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली जब वो कहता है ना कि वो उससे कुछ बोलते हैं फकीर साहब, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ किसी मकसद के लिए नहीं आया था, मैं तो वो नहीं हूँ. तो फरहाद बड़ी ऑनेस्टली बोलता है, विच इज ट्रू. तो मुझे लग रहा था कि यार ड्रामे में ना जबरदस्ती फरहाद पे स्पिरिचुअलिटी ठोस रहे हैं. फरहाद कह रहे हैं मैं नहीं हूँ स्पिरिचुअल, क्योंकि अल्लाह से तो कोई कनेक्शन नहीं है, आई एम सॉरी उस, अभी तक नहीं बना, सवाई इसके कि वो मजार में दो तीन काम कर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, ना कनेक्शन को बिल्टअप होते हुए दिखाया. इसमें भी उन्होंने, देखो इसमें भी जो पूरी बात हुई है, इट इज अबाउट बींग selfless, it's about being आप दूसरे से expect नहीं करें मोहब्बत में, ठीक है. It's not about उसको दूसरे step की अभी teaching नहीं हुई कि eventually आपका love अल्लाह होना चाहिए, या आप अल्लाह की तरफ करें या कुछ करें. तो अगेन वही question, खुदा और मोहब्बत क्यों लिखा है, मजार पे क्यों है, वो ये चीज कोई और भी समझा सकता था, ये सब confusions हैं. और एक इंसान जो वाकई अपने इश्क में जो selfish भी था, अब उसका एक हो रहा है कि वो selfishness से निकल रहा है, और अपने माँ बाप को उसने, उसको आपने एक स्पिरिचुअल लीडर बना दिया. इस पे थोड़ा सा मुझे फनी लग रही थी ये बात, जो हम पहले भी बोल रहे थे. सो लेट्स नॉट, हां, वी सेड दिस बिफोर, वी डोंट, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पॉजिटिव्स हैं कहानी में वो हम, एंड ये भी बात जो उन्होंने कही थी राबिया, ये हमने पढ़ी भी है बहुत जगह, हमने देखी भी है, बट द वे इट वाज डिलीवर्ड वेरी ब्यूटीफुली, और फरहाद की सिचुएशन पे बहुत अच्छा बैठती है. हमने शायद पढ़ा हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो इश्क में मुब्तला
हैं वो ये सवाल जरूर करते होंगे और कहते होंगे कि हम नाकाम हो गए अपनी जिंदगी का. वो आई थिंक इट्स मोर देन दैट, इट्स नॉट अबाउट पढ़ावा नहीं पढ़ावा, वही बात होती है ड्रामे इंपैक्ट करते हैं फरहाद के कैरेक्टर से, बहुत लोग अटैच्ड हैं, 20 मिलियन व्यूज हैं यार उस ड्रामे के ऑन सैटरडे की, सैटरडे फ्राइडे नाइट की एपिसोड पे. तो भाई आप सोचें कि कितने लोगों ने ये बात सुनी है, उनको कहीं उसमें से अगर 1% या 0.001% ऑफ 19 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर, उनका भी दिल चेंज हो जाए इसको सुन के. तो और आप जिस कैरेक्टर से मोहब्बत कर रहे होते हैं जब आप उसकी बात सुनते हैं आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. सो यस, दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट. उसका हम वेट करते हैं क्या होगा, और नाजिम शाह को जब पता चल जाएगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगे. डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी, नाजिम शाह छोड़ देना फरहाद का पीछा, क्या फर्क पड़ता है उनको. नहीं कुछ ना कुछ तो है, वो जान उसको पता है यार, कुछ ना कुछ है वो. तो अब पता चल जाएगा ना, उसके उसका जासूस देख लेगा की उसकी बहन आई है. जी हम कहाँ के सच्चे थे, अब बताइए जी उस पे क्या तासुरात हैं आपके. मेरे तो पहला तासुरात ये था जो अभी तक तो राइटर ने पानी फेर दिया उसके ऊपर, कि जब असद सीढ़ियों से वापस ऊपर आ रहे थे उन्होंने कैसे नहीं सुनी वो बातें, वो टॉक्सिक बातें जो माँ बेटी के बीच में हो रही थी. लेकिन मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि मैंने सुबह सुबह इंस्टाग्राम की पोस्ट लिख के भेज दी शाजिया, उसको देख के बताती हैं कि इंग्लिश विंग्लिश चेक कर लेती है मेरी, के सब सही है नहीं सही है, राबिया ने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की. ऑल्सो चेक हम लोग चेक कर लेते हैं कोई पॉइंट मेरे से मिस हुआ है तो शाजिया उसको वो कर ले एवरीथिंग. तो शाजिया की कॉल है, अच्छा तो पोस्ट जा चुकी थी ठीक है, तो फिर शाजिया ने मुझे पोस्ट जा चुकी. तो अब शाजिया सोचूंगी कि राबिया से मैं कैसे बोलूं कि राबिया तुमने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी. तो शाजिया कह रही है राबिया मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, तो मैंने यही देखा है कि वो असद ऊपर आ रहा था और असद ने सुन ली बात, तो हमने कुछ मेंशन नहीं किया इसके बारे में कि असद ने सुन ली. तो फिर ये प्यार से मैंने कहा था, बहुत प्यार से उन्होंने राबिया को आहिस्ता से टच किया कि राबिया मतलब मैं डोंट स्क्रीम एट मी बट आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग यू कि तुमने ये पॉइंट क्यों नहीं डाला. मैंने कहा ओके शाजिया, मैंने भी गहरा सांस लिया, मैंने कहा शाजिया आप आगे कंप्लीट कर लें एपिसोड. उस एपिसोड में इसके आगे कहीं कुछ रिएक्शन नहीं बताया, प्रोमो में भी कुछ नहीं बोला, असफ़त डज नॉट गिव अ रिएक्शन ऑन दिस, सो आई एम अज्यूमिंग कि असफ़त ने वो नहीं सुना है. तो This is something interesting that I found. असफ़त को इतना गलबल दिखाया है, इतना गलबल दिखाया है बेचारे को कि मैं आगे ये तो मैंने अब क्योंकि जब वो बात कर रहे थे मैंने कहा असफ़त अभी गए कभी भी ड्रामों में दिखाते ही नहीं है कि वो सुन लेना हमेशा ओवर ही आनी एंड देन ही वॉक्ड अप आई सेड ओह ही लिसन बट ही डिडंट हियर एनीथिंग सो तो अगर उसने सुना है तो वो अभी तक उन्होंने हमें नहीं दिखाया, आगे जाके कोई 10वीं 15वीं किस्में दिखाएं तो उसका कुछ कह नहीं सकते. आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि डू यू थिंक ही हर्ड इट, ही डिसाइडेड टू ओवरलुक इट, और ही हैज नॉट हर्ड इट, क्या है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि अक्सर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. बहुत टॉक्सिक बात, हाँ आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं होती है, ये तो बात सही है. वैसे राबिया अगर उन्होंने सुना है तो फिर और फिर उनका रिएक्शन तो मुझे बहुत ही फीका लगा, क्योंकि वो तो बाद में भी मशर को सॉरी कह रहे थे और बहुत वो फील कर रहे थे, और अगर उन्होंने सुन के दस बर्दार कर दिया है तो बहुत गलत किया है क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक बातें हो रही थी. लेकिन वन थिंग दैट आई हैव टू अगेन कॉल आउट असफ़त फॉर, अनफॉर्चुनेटली असफ़त को थोड़ी सी अभी बैशिंग मिल रही है कि आपने अपनी अम्मा के ऊपर तो इतना बड़ा स्टैंड लिया जो हमने लिखा भी ठीक है, जब वो मशल की अम्मा को कह रही थी कि ये तो सालिहा तो ऐसी हैं ये वो ठीक है, आपने कहा मैं अपनी अम्मा के बारे, उन्होंने महरीन के अब्बा को बुरा भला कह दिया, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई महरीन इज द वे शी इज, या वो जो कहती है या मैं सुनता हूँ आप फिर भी मशल की साइड हमेशा, because that was a very big thing to say about Mehreen's father and the way she spoke about Mehreen. Lekin Mehreen is just someone over there who doesn't have parents, unfortunately. This is what it sounded like to me. And it doesn't matter. No one has to stick up for her. But you're expecting too much from Asfar. Why would Asfar do that? Asfar, no, I just feel, I feel really bad because jitne bache bade hote hain joint family mein jinke parents nahi hote unko aisa hi treatment diya jata hai aur lekin is waqt to iska wo to ek given baat hai na iska isse is waqt to nahi koi taluq mujhe samajh aa rahi kyunki asfat to apni maa ke us pe baat asfat ki ka dekho asfat जो है ना वो एक टिपिकल मर्द है, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मुझे इस एपिसोड हम बहुत ज्यादा असफद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. असफद एक बेसिकली अम्मा का
बबलू सा बच्चा है जो यस अपनी अम्मा की ही बात सुनेगा हाँ और उसके लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता और वो कुछ नहीं करेगा, उसको अपनी माँ की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। जो वो एक टिपिकल यस बेटा है जिसने हाँ देखा है कि मेरी माँ बड़े मुश्किलों से उसने मुझे पला बड़ा किया उसकी, तो अब जब उस सिचुएशन में दो चीजें हुई, एक तो उसकी माँ के अगेंस्ट बात की जिसपे वो चिढ़ गया, सेकेंड अगेन ही इज अ टिपिकल मैन, तो उसको आई यार हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू और नॉट टू डू, मैं डिसाइड करूंगा ना, आप मुझे भाई उससे पहले दो दफा बेटी भी जबरदस्ती कुछ कर चुकी, तो वो मे बी आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही थी जो अब एकदम से हुई और असमत ने रिएक्ट किया। मशल तक तो चलो वो हाँ मोहब्बत में, मशल की खूबसूरती के जादू में और मशल की अदाओं में वो चुप रह रहा था और मशल की बातों में था, अब एक चच्ची क्या हुई उसकी मामी उसके सामने बैठ के उसकी पहले अम्मा के बारे में बोल रही है, फिर मेरीन वाली भी बात, और फिर उसकी उसकी मर्दानगी पे बात कर रही है, दैट बेटा यू डोंट हैव दैट करेज कि तुम कर सको, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ कि यू टेक अ स्टैंड। तो वो तो उसका रिएक्शन मुझे लगा कि सही था इन एनी केस, आई फ्रॉम दो फील लाइक पॉइंट ऑफ ही व्यू। शुड हैव स्टूड अप फॉर मेहरीन आल्सो व्हिच ही नो डिडंट आई 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 ही थिंक दैट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि वो अम्मा का इतना जोर से आया उसके ऊपर बिकॉज़ शी वाज वेरी नेगेटिव अबाउट हिज मदर अगेन वो उन्होंने बोला वो उनकी बुराई, सो द पर्पस ऑफ शोइंग द डायलॉग वाज टू शो द बुराई ऑफ मशल्स मदर, नॉट फॉर हाँ फॉर अस फॉर टू रेज अ वॉइस और एनीथिंग। बट असद असवज शुड पुट टू एंड टू टुगेदर बिकॉज व्हाई उसकी अम्मा हाउ भी उसको यही अम्मा कैसे भी उसको यही उन्होंने समझा रहे नो बिकॉज असवज मदर हैज बीन टेलिंग हिम द सेम थिंग कि नो देखो जिन लोगों के गोल रहती है वो लोग इतने कॉम्प्लेक्स हैं यार उनमें भी कॉम्प्लेक्सेस एक हैं ला ये जुमला वो डज नॉट एक्सप्लेन कि मेरीन के साथ क्या हो रहा है। अगर दिस इज मैं वेरी टॉक्सिक फॉर मी नहीं, वो टॉक्सिक तुम्हारे लिए होगा बट तुम गलत चीज एक्सपेक्ट कर रही हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक हाँ इस वक्त, ये आप लोग नहीं बताएं हाँ वो तो हमें आगे कहानी को आगे मूव करना है ना वो, और देखो आगे जाके मेरीन के बहुत अगेंस्ट होना है असवत ने, तो वो अभी से कैसे ये चीजें कर हाँ सकते हैं अभी राइट। से कैसे होगा कहानी कहानी बट कहानी अच्छा ठीक माई थिंग हाँ वॉज के दो तीन चीजें ये ड्रामे में जो अभी सारी कॉन्वर्सेशन हो रही हैं और लोग बोल रहे हैं, द थिंग इज दैट असवत इज अ टिपिकल मैन एंड असवत की माँ इज अ टिपिकल औरत। उस वक्त मतलब लोग ये बोल रहे थे, मैं कुछ जगह कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे किस डीएम में भी लोगों ने बोला कि असवद की माँ को और मेहरीन की माँ को नजर नहीं आ रहा कि मंगनी की टेबल पे वो जब बैठे हुए डिनर पे तो वो कैसी शक्लें बना के बैठे हुए और कुछ है क्या है। वो रिंग तो वाला सीन आप पहले बोले फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगी शाजिया। नो यू गो अहेड नो यू हैव एन आई एक्सप्लेनेशन वाज फॉर जस्ट दैट ना, नजर नहीं व्हाट डू यू आ रहा वांट। था नहीं मैं तो आई वाज शॉक्ड दैट रिंग वाला सीन आई फेल्ट सो फार आई हैव बीन सेइंग ग्रेट डायरेक्शन लेकिन बस वो रिंग वाला सीन मुझे विद द ओएसटी इन द बैकग्राउंड मुझे बहुत ज्यादा ऑफ लग रहा था बिकॉज़ वो तो लग रहा था कि दो पुतलों को बिठा दिया क्या क्या कहते हैं रोबोट्स को बिठा दिया है सो और उनको माय टेक ऑन या दिस इज दैट हाँ कि दिस इज अ टिपिकल ड्रामा बट उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट करें आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई आल्सो कैन नॉट दैट वी लाइक वॉचिंग इट एंड वी आर एंजॉयिंग इट, बट अगर देखो तो ये टिपिकल ड्रामा ही है कि माँ को पता है कि बेटे, माँ जानती है बेटा खुश नहीं है सॉरी, बट उसने यस चूज किया है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे के लिए क्या बेहतर है एंड मुझे मेहरीन, क्योंकि उसको मेहरीन की गिल्ट भी है खाला को। देखो मेहरीन की शादी, मेहरीन की माँ की शादी खाला के कहने पे हुई थी और मेहरीन ने कहा था कि खाला ने कहा था मेहरीन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तो उसके दिमाग में मेहरीन की तरफ से गिल्ट और असवद मेरा बेटा है आई नो इट बेटर आई वॉन्ट मेरीन टू बी माई बहू उसका है, तो उसने चूज किया इग्नोर करना ऑफ एवरीथिंग जो असवद की उसको नाखुशी नजर आ रही है और सब कुछ। सेम फॉर मेहरीन की माँ, शी नोज उसको असवद से बेहतर मेहरीन के लिए चांस नहीं मिल सकता, वो भी अपने सर से उतारना चाह रही है, इसलिए दे बोथ चोज टू इग्नोर देयर रिएक्शंस और एनीथिंग। उन्होंने कहा बस हाँ बोलिए इनको पकड़ लो, इस मौके को जाने ना दो। इट्स अ टिपिकल कहानी विद सेम ओल्ड टेक्निक्स, दिस इज व्हाट आई फील, एंड उसकी ट्रीटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कैरेक्टर्स बड़े अच्छे तरीके से एक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो मजा आ रहा है देखने के लिए। दैट्स माय, अदरवाइज व्हाट अदर जस्टिफिकेशन देयर इज कि आपको नजर नहीं आ रहा जब हम सब देख सकते हैं कि आई मीन वो तो बात भी नहीं कर रहे थे ना एक दूसरे से, तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा कि समथिंग इज ऑफ। दे हैव चोजन टू इग्नोर देयर रिएक्शंस, दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन दिस थिंग। I agree with you. They have chosen to या ignore it. या नानी फिर कि तुम किसी और को भी फांस सकती हो तुम तो इतने लड़कों को जानती हो तुम लेकिन फांस उससे लोगे पहले मैं ये इसको बात करूं, मैं सोच अच्छा मैं तो मेरा ना जज्बा बिल्कुल ठप हो गया, मैंने कहा मैं इतनी जज्बाती स्पीच के बाद शाजिया कुछ आगे से अपना कुछ वो देंगी, शाजिया कहा हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक कह रही हो, मैं कहूँ अच्छा अब मैं क्या बोलूं थी कि आई मीन आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज बट आई जस्ट फील कि अब फिर तो यू विल से कि स्टोरी इस तरह है स्टोरी है इस तरह और मैंने ये फर्स्ट ड्रामे में कहा था मुझे बहुत बैशिंग मिली थी कि स्टोरी जरा घिसी पिटी है बहुत वन डायमेंशनल है तीन दो लोगों और अगर ये है इस तरह तो फिर आजकल के जमाने में असफत को थोड़ा सा और बट आजकल का होना चाहिए था देखो बिकॉज अब मेरी
मेहरीन है आजकल की लड़की, लिटरली असफत भी। तो तुम्हारा ख्याल है असफत जैसे लोग आजकल नहीं होते हैं? यू थिंक असफत जैसे लड़के नहीं होते हैं? नहीं, लेकिन आजकल असद के जैसे लड़के जो हैं वो फिर इतना ज्यादा, फिर वो खुशी खुशी मंगनी कर लेते हैं, वो इतना ज्यादा ऑफ नहीं दिखाते उनको कि वो हैरान परेशान। ड्रामेटाइज करना पड़ेगा ना, वो तो ड्रामा थोड़ा सा तो ड्रामेटाइज करना पड़ेगा। आई थिंक असवद रिप्रेजेंट्स अ बिग नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव द करेज टू से नो टू देयर मदर, स्पेशली अगर उनकी मदर सिंगल मदर हो। क्योंकि फिर माँ, देखो कोई बात, माँ भी आई ना, माँ ने क्या किया, वही टिपिकल माओ वाले कर कि उसको पता, उसको बैठा हुआ, उसने मूव भी नहीं किया है। असवद इज सो एंग्री, ही डिड नॉट इवन मूव एंड शी केम। लेकिन उसको पता था, उसने उतनी अपना मोनोलॉग बोला कि देखो, और वही बातें बोली जिसपे पता था उसको कि असवद रिएक्ट, असवद आगे से एक चू नहीं करेगा। कि तुम्हारे बाप के मरने के मरते हुए बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पास असवद है, ही विल टेक केयर ऑफ यू। और आंखों में आंसू और किस भी कर लिया बेटे को, और ये कि देखो तुमने मेरा मान रख लिया। जब आपने इतना प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर, वो तो अब कुछ नहीं कर सकता ना असवद, right? So these are typical things which are happening. There is nothing new about it. तो जब हमने किस्सा मेहरबानों की बात की थी ना, तो मैंने ये कहा था कि अगर कहानी आपकी कोई बहुत ज्यादा different नहीं है, देखो इसमें भी साजिशें हो रही हैं, इसमें भी negativity है, इसमें भी वही एक असफत जो है बाहर से पड़ा हुआ आया और बहुत कूल लग रहा है, लेकिन है तो वो एक टिपिकल मर्द ही दिखा है ना, जो अपनी माँ के सामने जिसकी हिम्मत नहीं है कि वो ना बोल सके, ठीक है। और माँ भी वैसी है, थोड़ी रिफाइंड तरीके से वो बेटे के ऊपर वो डाल रही है, लेकिन स्क्रिप्ट की ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन ऐसी है कि हमें देखने में मजा आ रहा है। शबो का कैरेक्टर आ गया है, मशल के मजे की चीजें आ गई हैं, मेहरीन को पावरफुल दिखा दिया है। स्क्रिप्ट की ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन पे तो मैं तारीफें कर रही हूँ, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट के अंदर लग रहा है कि थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी फैक्टर मुझे कम हो रहा है। मे बी वी से कि बहुत सारे This is not a drama that you need to relate to. You need to watch it and enjoy it. You know, I can relate to some things about it. I can relate to the cousin, वो जो अब joint family system में होते हैं, मैंने सुना है और देखा है किसी families में कि cousins में बहुत ज़्यादा comparison होता है. I can relate to that. I can relate to the nani having given up on Mehreen, कि Mehreen तो अपनी बाप की औलाद है. अब मुझे थोड़ा समझ आ गया कि उनकी नेगेटिविटी वहीं से आती है कि वो तो नहीं उनकी तरह, तो इसलिए आई कैन रिलेट टू लैला वास्तीज कैरेक्टर, क्योंकि उनकी, लेकिन अगेन आई एम एंग्री एट लैला वास्तीज कैरेक्टर बिकॉज शी शुड हैव टोल्ड हर फैमिली, आप लोग मेरी शादी कर रहे हैं तो आप लोग इस बच्ची का ख्याल रखेंगे एंड दीज आर द थिंग्स आई वॉन्ट जो आप लोग करेंगे इसके लिए, जो आई फील कि उसने छोड़ ही दिया है। तो ये थोड़ी सी चीजें हो सकती थी ड्रामे में, लेकिन इट्स अ कहानी, सो आई एम टेकिंग इट लाइक दैट। बट व्हाई डू यू थिंक, मैंने एक बात बोलनी थी, मैं भूल गई। हाँ, असवद जो है उन्होंने पहले तो वो रिंग लेकर आए हैं उधर से बाहर से उनके लिए, तो वो रिंग जो थोड़ा सा मुझे लगा फनी लगी बात, क्योंकि उन्होंने तो कहा था पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन अब तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूँ, तो क्या वो पहले से सोच रहे थे, अब आके सोच रहे? तो मुझे असवद के जरा कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आ रहा था, ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी। बट पहले नहीं सोचता था तो रिंग क्यों लेकर आया था? रिंग तो नहीं लेकर आते ना, why are you giving it to her? वो मुझे बहुत क्रूल लगा, मुझे बहुत जालिम लगा। तो मैं उसको उम्मीदें बढ़ा दी, फिर उसको बोला बट तुम्हें सिर्फ एज अ गिफ्ट ही दे सकता हूँ। भाई देने की क्या जरूरत है, छोड़ दो भाई, तुम उसके जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रहे हो, तुम उसे रिजेक्ट करने जा रहे हो, रिजेक्ट तो नहीं बट माना करने जा रहे हो। अच्छा, व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि देखो यहाँ पे असवद की शादी काइंड ऑफ जबरदस्ती उसकी माँ कर रही है, बट हम में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यू नो लाइक वी आर नॉट। बट अगर इसी तरह ड्रामे में लड़की के ऊपर करे तो फिर हम कंसेंट की बात ले आते हैं ना, दिस आई फाउंड वेरी जस्ट अ थॉट दैट केम टू माय माइंड। हां, ले आते हैं, यू आर राइट। लेकिन रक्षी जैसे बात हम लेकर आती लाना चाहिए हमें पेरेंट्स, हम नॉर्मली आदमी के लिए लेकर आते हैं कि औरत का कंसेंट आदमी का, बट यू आर राइट, पेरेंट्स का भी होना चाहिए। लेकिन असफद एंड मेहरीन हमने भी लिखा था कि वी आर आल्सो लाइक दीज डेस्परेट मदर इन लॉज, जिस तरह लैला वासीज कैरेक्टर एंड सालिहा इज, कि हम चाहते हैं कि बस ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लें और फिर ये खुशी खुशी रहने भी लगे। हमें असफद भी पसंद है, हमें मेहरीन भी पसंद है, fight all their flaws. हमें पसंद है, we want them together, जबकि हमें नजर आ रहा है कि आगे friction होगा, but we want कि बस हम उनकी शादी करते। So as the audience, we are also like Aswad's mother and Mehreen's father. हम तो force नहीं कर रहे ना Aswad को, उसकी माँ ने तो kind of force ही किया, उसको घेर लिया तरीकों से और उसको करने देती Aswad को experiment. Even if she believes कि मशल उसके लिए सही नहीं है, लेट इट बी, उसको खुद अपनी गलती से सीखने दो ना। असवद कोई बच्चा तो नहीं है, बेबी तो नहीं है, बट उसकी मर्जी को इग्नोर करते हुए आई थिंक उसकी माँ ने अच्छा नहीं किया, एंड असवद इज वेरी एंग्री एट हिज मदर फॉर दैट।
is very angry at his mother for that. Mehreen was justified in writing that thing and as an explanation jo usne Safwan ko na bola hai. No, I don't think so. I think main to shuru se keh rahi thi ki Mehreen ne usko kyun call karke haan kaha tha jab uski Asfar se nahi ban rahi thi ya wo nahi cha rahi thi aur jaise hi Asfar thoda bahut ho gaya Mehreen ne usko jaake mana kar diya whether usne koi promise diya tha ki nahi it was wrong aur apne dil ko behla rahi hai ye Safwan seemed like a really nice character. I don't think Safwan didn't buy it either. I don't think so, Flavia. So not happy with that. Safwan is going to be the Qurbani ka bakra. We can see that. But Mehreen ne kyun haan kaha hai? Wo to clear hai na. Mashal ko niche dikhane ke liye. Jo Mashal ne baat kahi thi. I don't think she did it because of that. वो जब हाँ बोल रही होती है तो वो दिखाते हैं ना बिफोर शी सेज यस शी थिंक्स अबाउट द डायलॉग जो मशल ने उसको बोला होता है. मशल कहती है ना कि इसकी कि अस्वद मेरा है और उसकी मोहब्बत के लिए मैं पता नहीं क्या लड़ूंगी और तुम जीत मेरी ही होगी और तुम हारोगी. मशल उसे कह के जाती है जो पिछली किस्म मुझे ये लगा क्योंकि मशल उससे ये कहा था कि अस्वद तुमसे रद्द करता है बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता लेकिन उसने देखा यहाँ तो अस्वद ने उसको हाँ कर दिया शादी के लिए. मुझे लगा दैट शी फेल अस्वद हैज सम फीलिंग्स फॉर हर एंड उसकी थोड़ी सी दैट ग्लिमर ऑफ होप एंड दैट्स व्हाई नहीं बट शी वाज थिंकिंग कि अगर अस्वद ने हाँ बिकॉज़ शी थॉट अस्वद कभी भी हाँ नहीं करेगा उसको नहीं पता कि क्या हुआ है दिया. उसको नहीं पता अस्वद ने क्यों हाँ बोली है. उसको ये पता है कि ये मौका है जब मैं मशल को नीचा दिखा सकती हूँ क्योंकि जब अस्वद उसको फोन करता है वो फोन नहीं उठाती है. जब वो आती है घर में तो वो अस्वद को नहीं देखती है और वो टेबल पे भी वो दोनों बैठे क्योंकि उसको पता है कि अस्वद डज नॉट वॉन्ट टू मैरी हर. और वो किस वजह से अस्वद ने खाला के प्रेशर में बोला या किस लिए भी बोला है उसने हाँ कह दिया उस वो उससे मोहब्बत करती है मेहरीन अस्वद से बहुत मोहब्बत करती है लेकिन इस वक्त हाँ उसने मशल को नीचा दिखाने के लिए किया. दिस इज व्हाट आई थिंक दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज. ओके आई थिंक देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन मेहरीन्स माइंड. इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ दैट लेकिन इसलिए भी कि उसको थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि शी लाइक्स अस्वद और ये भी कि अच्छा अम्मा ने जबरदस्ती करा दिया तो करा दिया. आई लव दैट सीन बिटवीन सालिहा पुप्पो एंड मेहरीन जब वो दोनों वो सीढ़ियों पे बैठी हुई होती है वो वहां वो उसको प्यार दी है. Then you know they have a very sweet moment. Thappad ka scene. And the way they were using the OST over there. Yeah, Thappad ka scene. Thappad nahi hai, lekin Thappad tha. Haan, Thappad tha aur kas ke lagaya tha. Yeah. Aur very well executed. Yeah, but there was no need for it. I just feel there was no need for it. Because we've become immune to the need for it. क्योंकि उससे पहले ही वो हाँ बोल चुकी थी ना या तो मुझे समझ आती कि उसने थप्पड़ लगाया था और उसकी इतनी बेइज्जती फील हुई कि फिर मेहरीन ने हाँ बोली. मेहरीन तो उससे पहले ही हाँ बोल चुकी थी ना. मेहरीन उससे पहले ही कर चुकी थी जब उसको बोलती है गुस्से में कि जाओ जाके अस्वद से पूछो मुझसे क्यों पूछ रही हो अस्वद से पूछो. बट माया खान डिड एन अमेजिंग जॉब. उसके जो एक्सप्रेशन थे वो जो बेइज्जती के एक्सप्रेशन थे मेहरीन के वो जो आई रियली लव मायरा इन दैट. वो इतनी अच्छी उन्होंने पोर्ट्रेल की है जो वो आपको अपनी बेइज्जती और इंसल्ट फील होती है कोई आपको मार के जाए थप्पड़ वो बहुत अच्छा काम किया था. सो राबिया यू जस्ट सेड आई वुड से कि अगर मेहरीन को वाकई रिवेंज लेना होता मशा पे तो ये थप्पड़ पहले आता और फिर वो जाके हाँ करती लेकिन थप्पड़ केम लेटर हाँ केम बिफोर. व्हाट यू आर सेइंग could be that she sees some sense of hope. I think it's a little bit of a mixture. Okay ji, I will stick to the thing that she does not see. Achha, Mehreen kabhi retaliate nahi karti. She does. Usne retaliate kiya hai na. Usne bola hai tum bolti raho jo tumne bolna hai. Main to Asfat ko leke physically haan wo physically retaliate nahi karti. Tum uski body language dekho jab wo amma bhi khadi hui thi wo aake mashal ka gala dabane ki koshish karti hai to wo yun karke ho jati hai. Cringe. She never fights back. Physically wo kabhi nahi karti because uski bacche ki सेल्फ स्टीम की बात है राबिया. जब आपके माँ बाप नहीं होते ना घर में आप जितने भी बड़े हो जाए मुंह से आप बोल सके लेकिन आप नहीं रिटेलिएट करते हैं फिजिकली. अच्छा आई फाइंड इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. देयर आर सम केस जो बहुत फिजिकली हो जाते हैं वो वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज करते हैं अपना निकालने के लिए बट ये नहीं करती है. लेकिन अब मेहरीन ने कहा है बेटा तुम बोलती रहो तुम्हें ये था ना अब मैं तुम्हें मजा चकाती हूँ क्योंकि उसको पता है असर अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलेगा. सो मेहरीन ने भी एक बड़ा शतरंज का की चाल चली है. लेट्स सी आगे क्या होता है. जी दैट इज ऑल फ्रॉम ड्रामास टुडे.
आप मुझे कुछ हम टीवी के बारे में के नहीं या हम टीवी का एक नया ड्रामा जो आ रहा था जुदा हुए कुछ इस तरीके कुछ इस तरह जो नबील जुबैरी और दुर्रे फिशां का नया ड्रामा है, तो आजकल वो बहुत ट्रेंड कर रहा था क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो जो हीरो हीरोइन है उनकी शादी हो गई है एंड द गर्ल इज एक्सपेक्टिंग एंड नाउ दे फाइंड आउट कि वो रजाई बहन भाई है, मतलब उन्होंने एक ही मदर का दूध पिया हुआ है, ये फॉस्टर सिबलिंग्स कहेंगे या क्या, तो ये बात हुई थी, तो वो ट्रेंड बहुत कर रहा था, लोग उस पे बहुत बातें बना कर रहे थे, देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जो ड्रामों में बन रहा है, तो बस ये चीज हो रही है. क्वेश्चन इज के ऐसा टॉपिक पे बनना चाहिए ड्रामा या नहीं बनना चाहिए, क्या हर्ज है इस ड्रामे में को दिखाने में. देयर वर सम पीपल जो कह रहे हैं कि अब तो कुछ कॉन्टेंट रह ही नहीं गया इसलिए इस तरीके के ड्रामे बनाए जा रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन हैपनिंग. There is a lot of conversation and I would relate it कि जब जलन बना था तो लोग यही सवाल कर रहे थे कि आपकी बहन के हस्बैंड से आप कैसे अफेयर चला सकते हैं, and then this came along, people were very angry last night. I personally don't think ऐसे topics पे drama बनने चाहिए, but at the same time, I also feel that there might be people who have been through this and who will relate to it और जिनके खानदानों में ये हो रहा है, so I would say that maybe we should wait and see how the content is being treated at the end of the day. So मेरा ये ख्याल है जितना मैंने देखा है, मुझे भी सब 100% मेरी information गलत हो सकती है, मुझे लगता है कि वो जो 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 खातून है जो ये कहती हैं claim करती हैं वो झूठ बोल रही होंगी क्योंकि अभी आगे उनसे बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि ट्विस्ट ये होगा, एक पॉसिबल ट्विस्ट ये है कि ये झूठ होगा, एक साजिश होगी. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक इटसेल्फ, एज ऑफ नाउ मेरा व्यू दो हफ्ते या कहीं और चीजें पढ़ के चेंज भी हो सकता है, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन मेकिंग अ ड्रामा ऑन दिस सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मुझे तो लगता है ये उस सब्जेक्ट से तो बेहतर है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दूसरी शादी एंड सास बहू की साजिशें, ये एक इशू है जो लोगों ने फेस किया होगा जिंदगी में शायद बहुत छोटी परसेंटेज में, बट इट्स इंटरेस्टिंग, लाइक आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि अच्छा इस टॉपिक को इस ड्रामे में कैसे हैंडल करेंगे, एंड एज लॉन्ग एज कि आप अपनी जो बाउंड्रीज हैं शर्मो होया किया या बाउंड्रीज शर्मो होया तो मैंने शायद गलत वर्ड यूज कर लिया, जो भी आपकी एक लिमिटेशंस या बाउंड्रीज है उसमें रहते हुए खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी मुझे इस चीज में कुछ मतलब आपको कोई गलत बात नहीं दिखानी चाहिए, अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर आप उसको रिफ्यूज करें कि ये बात गलत है. इट्स अ जेन्युइन इशू जो बहुत से लोग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये लोगों के साथ हो जाती हैं चीजें, यू नो बहुत केसेस भी पड़ेंगे, बहुत पुराने जमाने में काफी होता था, दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट इन पुराने जमाने, आई मीन मेरी अम्मी के जमाने में, इतना भी पुराना नहीं है, जिसमें कजन्स और बहनें और सब बच्चे साथ पल रहे होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होती थी, सो दोज पीपल विल रिलेट टू इट, और लाइक यू आर सेइंग आज शायद कम में होंगे, मेजॉरिटी में नहीं होंगे, बट पीपल माइट रिलेट. एंड इन एनी केस इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई फेल्ट, मुझे तो इसमें कोई, बट अगेन आई विल गो नाउ रीड मोर इन डिटेल, तो आई होप मुझे ज्यादा बैशिंग नहीं आए कि राबिया आप क्या बात कर रही हैं, बट या एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज. हमें जितनी लिमिटेड हमें अभी इंफॉर्मेशन है हम उसी पे बात कर रहे हैं, सो वी जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू यू बिकॉज़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दैट्स तो जी कमेंट्स करते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आप लोगों से दोबारा जल्द मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, खुदा हाफिज.